व्हेन क्लासेस विल स्टार्ट? अच्छा, सबसे पहले तो क्लासेस जो स्टार्ट होंगी ना, उसका मैं बता देता हूँ कब से होंगी। आज जो है फीस सबमिशन की लास्ट डेट है, लेकिन असल में वो हमारी जो लास्ट डेट है वो तो बहुत पीछे थी, ये हमने एक्सटेंड किया था कुछ लोगों के क्या कहते हैं रिक्वेस्ट पे। अच्छा, थैंक यू सो मच यार। ये बैकग्राउंड जो लगा हुआ है ये कंपनी का लोगो है मेरी सिसबॉर्ग। आप जाके लिखेंगे sisborg.com तो आपको पता चल जाएगा ये कि ये लोगो क्या है। अच्छा, तो मार्केटिंग थोड़ी थोड़ी होती रहनी चाहिए। मैंने कहा यार बैकग्राउंड में लोगो होना चाहिए। अच्छा, तो जो हमारा जो कोर्स है ना, वो एक्चुअली ये यही हमारी पहली क्लास है। अभी ये ओरिएंटेशन क्लास नहीं, अभी ये पॉडकास्ट है। तो आज सैटरडे है, तो आज ही हमने ये वाली क्लास की है। ठीक है, हम जरा एक गेस्ट हमने इनवाइट किया, उस हम जरा बात करेंगे कि भाई क्या चल रहा है चैटबॉट की मार्केट में, क्या चल रहा है दुनिया में। अच्छा, तो अब हमारा जो अब अगला जो दिन होगा क्लास का, वो कौन सा दिन होगा? आज सैटरडे है ना, तो हमारा अगला जो दिन होगा वो संडे, मंडे, ट्यूसडे। ट्यूसडे वाले दिन हम एक पॉडकास्ट और करेंगे, फिर उसके बाद थर्सडे वाले दिन हम एक पॉडकास्ट और करेंगे, और सैटरडे को फिर हम क्या करेंगे, अपनी ओरिएंटेशन क्लास करेंगे। तो ये पूरा वीक जो चलेगा, ये मैं फेसबुक पे लाइव आता रहूंगा और आप लोगों से जो है ना बात करता रहूंगा। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक फीस सबमिट नहीं की है, एडमिशन नहीं लिया है, वो स्टिल, क्यों, लास्ट डेट तो आज है, लेकिन स्टिल वो इस पूरे वीक में ना फीस सबमिट कर सकते हैं। आज रात तक जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन कंफर्म कर लिया है, उनको ना मैं एक व्हाट्सएप का अलग ग्रुप बना के उनको मैं ऐड कर दूंगा। तो ये आज रात को मैं ये सारा प्रोसेस कर लूंगा। जिन लोगों ने फीसें सबमिट की हुई हैं, उनकी सारी वो फीस वेरीफाई कर लूंगा कि हाँ जी वो मेरे पास रिसीव हो गई है, स्टेटमेंट पे मैच हो गई है। तो ये सारा कुछ करके ना मैं आज उनको एक व्हाट्सएप के अलग ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये पूरा वीक ना मैं उसको खोल के नहीं देखूंगा, वो फिर वीक के आखिर में, यानी ओरिएंटेशन क्लास के भी अगले दिन शायद मैं एक नज़र और मार लूंगा कि किन लोगों ने फीस सबमिट करवाई है। तो आपके पास ना एक वीक और है अभी जो फीस सबमिट करवाना चाहते हैं। अच्छा, तो क्लास आप समझे कि ये स्टार्ट हो गई है, यही हमारी पहली क्लास है, और लेकिन ये काउंट नहीं होगा उसमें, जो हमारे जो 4 मंथ का कोर्स है उसमें ये काउंट नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली यहाँ से आपकी स्टार्ट हो गई है क्लास। तो आपको क्या करना है, TTS के जो डेज हैं, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, 5 बजे से 7 बजे तक ये हमने शुरू कर दी है क्लास आज की, आपकी ना। तो कुछ दिन हम ये एक वीक फेसबुक पे लाइव आएंगे जो पब्लिक होगा सब लोगों के लिए, फिर उसके बाद हम जो है ना वो जूम पे या गूगल मीट पे मूव कर देंगे, तो हम वहाँ पे चले जाएंगे फिर। अच्छा, कुछ यहाँ पे लोग कह रहे हैं, अच्छा एक दोस्त कह रहे हैं सर मैनी चैट का बता दें, बेनिफिशियल रहेगा वो। प्यारे दोस्त, मैनी चैट जो है ना वो सही है, लेकिन बहुत बेसिक प्लेटफॉर्म है वो। उसमें एक तो AI से रिलेटेड कुछ चीज़ें मौजूद नहीं है, जो मेनली अभी मार्केट में जो इंटरेस्ट आ रहा है लोगों का, अभी हम सलील अभी आएंगे तो उनसे भी डिस्कस करेंगे कि क्या मार्केट का ट्रेंड है, क्या लोग डिमांड कर रहे हैं, क्या मार्केट को चाहिए। तो इस चीज़ को देखते हुए हम जो है ना अभी क्या करेंगे, AI का जो प्लेटफॉर्म है ना, AI वाला, वो है डायलॉग फ्लो, तो हम उसको पढ़ेंगे, हम मैनी चैट इस कोर्स में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मैनी चैट अगर आप सीखना चाहते हैं वैसे सीखें, कोई मसला नहीं है, लेकिन जाहिर है मैनी चैट में बहुत सारी लिमिटेशंस है, आप बहुत सारी जगहों पे फंस जाते हैं जाके। अच्छा सर, चैट बॉट का विजन कहाँ तक है? हाँ, यही तो आज का हमारा टॉपिक है कि ये चैट। अच्छा, ये बाय द वे जो आपकी ओरिएंटेशन क्लास होगी ना, उसमें हम ये डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये चैटबॉट आखिर है क्या। आज तो हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि चैटबॉट है, आज तो हम फ्यूचरिस्टिक थोड़ी हमारी डिस्कशन रहेगी आज की। अच्छा, आज वाली क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ये जो हम कर रहे हैं ना इसकी रिकॉर्डिंग यहीं पे मौजूद रहेगी फेसबुक पे, और आप चाहें तो इसको देख सकते हैं कभी भी आके। अच्छा, तो मैं आप दोबारा से ग्रुप में आ जाता हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, ये कोर्स करने के बाद हम इस लायक हो जाएंगे क्या कि कहीं जॉब कर सकें? अच्छा, ये पूछा है इन्होंने, नाम नहीं इनका लिखा हुआ, सिर्फ इन्होंने स्माइली फेस बनाया हुआ है नाम की जगह पे। तो इसका जवाब ये है, अच्छा ये इन्होंने सवाल पूछा था 24th ऑफ अगस्त को व्हाट्सएप के ग्रुप में, ये व्हाट्सएप का ग्रुप मैंने ओपन किया हुआ है, ये 26th ऑफ अगस्त को इन्होंने 24th को इन्होंने सवाल पूछा था, मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ। तो आज मैं ये कर रहा हूँ कि पूरा स्क्रॉल करूँगा, जब तक हमारे गेस्ट कनेक्ट नहीं होते तो इन सब का जवाब मैं देता रहूँगा। अच्छा, इसका जवाब ये है कि भाई ये कोर्स करने के बाद आप, ये कोर्स एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, ये बात समझ लें अच्छी तरह। इस कोर्स को करने के लिए आपका किसी किस्म का कोई बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं है। इस कोर्स में जो भी चीज़ें सिखाई जाएंगी वो तमाम चीज़ें फ्रॉम स्क्रैच आपको सिखाई जाएंगी, राइट? तो
क्योंकि वो तमाम चीज़ें फ्रॉम स्क्रैच सिखाई जाएंगी। सबसे पहले आपको इसमें थोड़ा सा गिट सिखाऊंगा मैं, फिर जावा स्क्रिप्ट सिखाऊंगा। वो कोर्स आउटलाइन का मैंने जो पोस्ट लगाई थी फेसबुक पे, उस पर वो लिखा हुआ है लाइन से कि क्या क्या उसमें होगा। अच्छा, एक दोस्त पूछ रहे हैं कि क्या आज के जो गेस्ट हैं वो आपके स्टूडेंट हैं? नहीं जी, स्टूडेंट तो नहीं है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और उनकी अपनी कंपनी भी है, अपनी प्रोडक्ट्स हैं उनकी, अपने उनके चैटबॉट्स हैं, मार्केट में मौजूद हैं। और जो इससे पहले वाला चैटबॉट का सेक्शन हुआ था उसमें वो इनरोल भी थे, उसमें उन्होंने आके पढ़ाई भी की थी, लेकिन वो स्टूडेंट भी बन गए इस तरह देखा जाए तो। लेकिन वो स्टूडेंट बाद में बने हैं, वो पहले से दोस्त हैं मेरे, काफ़ी टाइम हो गया, और बड़े नाइस बंदे हैं। अभी आपसे मिलेंगे तो आपको पता चलेगा। आज वाली क्लास की रिकॉर्डिंग, हाँ ये। अच्छा, क्या चैट बॉट की डिमांड आगे 2-3 सालों में भी सेम रहेगी? भाई, चैट बॉट की डिमांड तो अभी आना शुरू ही नहीं हुई। अभी जो चैट बॉट की डिमांड है ना, वो शुरू भी नहीं हुई आना, अभी 2% भी डिमांड नहीं आई है जो अभी मौजूद है। अगले टाइम में तो ये इसकी इतनी डिमांड आने वाली है कि लोग नहीं होंगे उसको करने। अभी भी नहीं है भाई दबे, अभी भी जो चैट बॉट की टेक्नोलॉजी पे जो लोग काम कर रहे हैं अभी, इंशाल्लाह अगला जो पॉडकास्ट होगा ना, हमारे 3 अभी पॉडकास्ट होंगे कंटिन्यूअसली। ये सैटरडे हो गया, उसके बाद एक ट्यूसडे, थर्सडे, और उसके बाद सैटरडे, ये हम 2 पॉडकास्ट और होंगे हमारे। तो एक मैं करूंगा अपने प्रीवियस स्टूडेंट्स के साथ, जो मैंने कल के लाइव सेशन में भी जिक्र किया था, और एक मैं करूंगा आपके जो एक मार्केट के बड़े एक्सपर्ट हैं, मार्केटिंग के हैं वो चैटबॉट की इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम हो गया उनको भी, उसामा, वो व्हाट्सएप के ग्रुप में भी हमारे ऐड है, उन्होंने अभी रिसेंटली इस व्हाट्सएप के ग्रुप से लोगों को हायर भी किया है। अच्छा, अब मज़े की बात देखें आप कि अभी कोर्स हमारा शुरू भी नहीं हुआ, जो ये व्हाट्सएप का ग्रुप है जो मैंने पोस्ट में भी लगाया हुआ था, इसमें क्या कहते हैं, जो लोग इसमें तकरीबन 400 लोग ऐड हुए हैं फिलहाल, तो इसमें अभी से लोग हायर हो गए, अभी कोर्स शुरू भी नहीं हुआ हमारा। क्योंकि मार्केट में जो नीड है ना चैटबॉट की, मार्केट बहुत हंग्री है इस वक्त चैटबॉट के डेवलपर्स के लिए, ठीक है, डेवलपर्स मौजूद नहीं है। तो आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगाएं कि कोर्स शुरू होने से पहले हायरिंग हो रही है यहाँ पे, तो कोर्स करने के बाद तो फिर कोई मसला ही नहीं है आपका। अच्छा, तो जी आपका ये शहरी खान ने पूछा सवाल कि इस कोर्स की जो डिमांड है चैटबॉट की, वो तो अभी आएगी, अभी आना शुरू हुई है वो। अच्छा, और मैं ये भी एक बड़ा सवाल किया जाता है कि मैं तकरीबन 2016 से इस पे काम कर रहा हूँ, आप मेरी गिटहब में जाके देखेंगे ना तो आपको 2015-16 में ना वो चैटबॉट के रिपोजिटरीज हेलो वर्ल्ड बना हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो मैं 2015-16 से इसमें लगा हुआ हूँ। तो लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर आपको ऐसा क्या नजर आया था चैटबॉट में उस वक्त, जब लोगों को नाम भी नहीं पता होता था, कि आप जो है ना इसमें आ गए। तो हमारे एक बड़े अच्छे टीचर थे, वो उन्होंने एक दिन आके उन्होंने बताया कि यार इंतजाम भाई, ये कोई नई चीज़ आई है चैटबॉट, इसको ज़रा देखें, एक्सप्लोर करें। तो मैंने उसको एक्सप्लोर किया ना जब, तो मुझे बड़ा मज़ा आया एक्सप्लोर करने में। अच्छा, फिर जब मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू की, जब मैं इसको टॉपिक को एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो मेरी नज़र से ना आप सल्लम की एक हदीस गुजरी कि कुर्बे क़यामत में एक वक्त ऐसा आएगा कि हर चीज़ आपसे बात करेगी, ठीक है, उसमें वर्ड है कि जूती का तस्मा भी आपसे बात करेगा। तो इससे मैं ये प्ली ले रहा हूँ कि जूती का तस्मे का मतलब है हर चीज़, जैसे ये लैपटॉप है, अभी मैं इससे बात तो नहीं कर रहा, मैं लाइव इससे जा रहा हूँ, मेरी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन बहुत अनकरीब ये सब चीज़ें आपसे बात करेंगी। जैसे कि आपका एसी आपसे बात करना शुरू हो गया अभी, ओरिएंट के ना आप एसी के जाके ऐड देखें, वो कहते हैं कि वही टर्न ऑन एसी। जैसे अभी मेरे पास ये गूगल असिस्टेंट पड़ा हुआ है, अब इससे मैं पूछूं, हे गूगल व्हाट्स द वेदर, Currently in Karachi, it's 34 degrees with haze. Today, it'll be partly cloudy with a forecasted high of 37 and a low of 28. Due to the current humidity, it feels like it's 41. अभी फौरन बारिशें हुई हैं बड़ी तेज़ वाली, अचानक पता नहीं खुद ही बारिश होना शुरू हो गई थी। तो आपने देखा कैसे मैं इससे बात कर रहा हूँ, तो ऐसे ना हर चीज़ बात करेगी आपसे। अभी जो ये मोबाइल ऐप्स है ना, जो मैं टच करके और टैप करके जो बात करता हूँ, तो ये बहुत जल्दी, ये मोबाइल सबसे पहले देखें वेबसाइट्स आई, सबसे पहले वेबसाइट आई कि भाई कंपनीज को ज़रूरत पड़ी कि यार हमें वेबसाइट चाहिए, हमें वेबसाइट आप बना कर दें, हम वेबसाइट की ज़रूरत है हमें। तो लोगों ने वेबसाइट बनाना शुरू की, वेबसाइट आपको पता है कितनी बड़ी मार्केट बनी, लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए इसमें कमाए। जब ये वेब का जो उसको क्या बड़ा अच्छा उसका नाम लेते हैं, ये .com का जो रेवोल्यूशन आया था, तो वेब 1.0 जब आई थी, अब उसके बाद फिर अगला काम क्या हुआ, मोबाइल ऐप्स, मोबाइल फ़ोन कॉमन हुए, तो लोगों ने बोलना शुरू किया कि यार मोबाइल ऐप भी बना कर देना आप हमें सिर्फ, क्योंकि फेसबुक जो है वो शुरू में जब आई थी तो वो तो वेबसाइट हुआ करती थी,
फिर जैसे मोबाइल कॉमन हुए तो उन्होंने मोबाइल ऐप भी बना दी, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी वेबसाइट जो थी वो शुरू में क्या थी, वो सिर्फ वेबसाइट थी, बाद में फिर मोबाइल ऐप उनको मजबूरन बनाना पड़ा क्योंकि मार्केट की डिमांड थी। तो छोटी से छोटी कंपनी भी अब आप देखें वो मोबाइल ऐप से चल रही होती है। मिसाल के तौर पर उबर और बाइकिया और करीम को आप देखें तो उनका मोबाइल ऐप के बगैर गुजारा ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह जो ये पिज़्ज़ा की जितनी भी कंपनीज हैं, जो पिज़्ज़ा हट वगैरह और ये जो भी पिज़्ज़ा वाले हैं यहाँ पे, तो उनकी पहले वेबसाइट होती थी सिर्फ, लेकिन अब उनके पास मोबाइल ऐप है जिससे वो ऑर्डर करते हैं लोग। अच्छा, अब आने वाला है ये चैटबॉट के, पब्लिक डिमांड करेगी कि यार हमें चैटबॉट चाहिए। अच्छा, बल्कि मैं फेसबुक पे भी मैंने लगाया भी था, मेरी आप जाके प्रोफाइल चेक करेंगे ना पेज फेसबुक का, तो उस पर फैसल बैंक ने और अलफला बैंक ने और पता नहीं कौन सारे जितने भी बैंक है ना, सबने चैटबॉट अपना लॉन्च कर दिया व्हाट्सएप का, कि व्हाट्सएप पे आप जाएं बातें करें उससे और वो आपसे बात करेगा। अच्छा, के इलेक्ट्रिक का जो चैटबॉट आ गया है, ठीक है, वो मैं कंटिन्यूसली यूज़ भी करता हूँ क्योंकि जब बिल की तारीख आती है तो मैंने अपना बिल चेक करना होता है कि कौन सा आया, क्योंकि वो तो बिल जो घर में जो बिल डालने आता है ना, वो ट्रेडिशनल जो, वो तो अपनी मर्जी है उसकी, वो कभी आ भी जाता है कभी नहीं भी आता, कभी वो बिल डालता है तो वो उड़ जाता है कहीं, गुम हो जाता है बिल। तो अब मुझे डेट है, मैंने उसको पे करना है, अब मैं कहाँ नीचे जाकर ढूंढ लूँ कि यार कहाँ डाल के चला गया वो बिल डालने वाला। तो मैं जल्दी से इनकी ऐप खोलता हूँ, तो ऐप खोल के मैं डुप्लीकेट बिल निकालता था। अच्छा, उसमें लगता था बहुत टाइम कि ऐप खोला टक टक कर रहा हूँ मैं उसके अंदर, अब मैं उसका पासवर्ड भूल जाता था हमेशा कि यार ये क्या बकवास है, मैं तो पासवर्ड ही क्या कहते हैं वो जब अपडेट होती थी वो ऐप तो लॉग आउट हो जाती थी, उसमें पता नहीं प्रॉब्लम था या क्या था, सिक्योरिटी के लिए रखा था। तो वो अब आ गया वो चैटबॉट, अब बड़ा ईजी है, आसान है। आप जाके गूगल पे लिखें के इलेक्ट्रिक का चैटबॉट, असल में मैं आपको अभी दिखाता लेकिन ये मैंने ग्रुप काफ़ी स्क्रॉल किया है, वो फिर बैक करूंगा ना तो ये दोबारा स्क्रॉल करना पड़ेगा मुझे। वेल, अच्छा, जरार जिया पूछ रहे हैं कि इस कोर्स में क्या हम लोग पीएचपी भी सीखेंगे, बिकॉज पीएचपी एंड जावा बोथ के चैटबॉट के लिए यूज़ होते हैं। नहीं प्यारे दोस्त, ये पीएचपी तो हम नहीं सीखेंगे, और पीएचपी तो बहुत पुरानी हो गई है और इसकी अब मार्केट में ना उस तरह से डिमांड नहीं रही, और जावा की भी कोई डिमांड नहीं रही भाई। जावा एक ज़माने में हुआ करता था, जावा की डिमांड थी, इस वक्त तो जावा और पीएचपी दोनों सीखना बेवकूफ़ी है। देखें, मैं आपको समझाता हूँ क्यों कह रहा हूँ ये। कंप्यूटर साइंस की दुनिया में आपको हमेशा वो चीज़ सीखनी चाहिए जो अगले 4-5 सालों में ऊपर जाने वाली है। अच्छा, ये जो टेक्नोलॉजी का आपने जिक्र किया ना कि पीएचपी और जावा, ये इसका बूम आके जा चुका है। अच्छा, अब इसमें ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, रहेंगी ये, इसमें जाहिर है जो सॉफ्टवेयर इसमें बन गए हैं वो तो कहीं नहीं जाते, वो तो रहेंगे, लेकिन अब प्रॉब्लम उसमें ये है कि वो सॉफ्टवेयर जो है जो बन गए हैं उसके ऊपर ना जो जॉब्स हैं वो फिक्स हो गई हैं, नई जॉब्स नहीं आ रही है उसके ऊपर, और जो लगे बंधे लोग हैं उनको भी बड़ी मुश्किल से ही सैलरी मिल रही है क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, काम कम है। आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा कर देगा, आपसे कम पैसों में कर देगा वो, ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्या कहते हैं इस तरह ना। अच्छा, सलील हमारे पास हो चुके हैं ज्वाइन, मैं इसमें इनवाइट कैसे करूं? कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अच्छा, स्ट्रीम यार्ड का लिंक मेरा ख्याल है जस्ट मैंने बैक तो कर दिया भाई। अच्छा, मैं आपको ना के इलेक्ट्रिक का दिखाता हूँ चैटबॉट, के इलेक्ट्रिक। अच्छा, ये मुझे बैकग्राउंड अपना जो है ना वो करना पड़ेगा शायद, कैसे दिखेगा ये। स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, शेयर स्क्रीन, स्क्रीन शेयर के बाद मैंने क्या करना है, फोन की स्क्रीन उधर लानी है ना। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, ये मेरी इससे बात हुई हुई है, ये मैंने इसको हाय बोला और हाय बोल के ना इसने ये देखें मुझसे बात करना शुरू कर दी कि मोहतरम इंतजाम मलिक सर्विस इंतखाब करें, तो मैंने वन प्रेस किया डुप्लीकेट बिल के लिए, ठीक है। तो ये आप देखें क्या कहते हैं, ये बता रहा है मुझे और ये इसने देखें बिल निकाल के दे दिया मुझे, ये देख रहे हैं आप, तो क्या ज़बरदस्त चीज़ है। अब मैं कभी भी इससे मैं हाय बोलूँगा ना तो ये मुझे दोबारा जवाब देगा, ये अभी मैं राइट नाउ ये अभी अभी कर रहा हूँ मैं लाइव।
अच्छा, तो ये देखा आपने कितने मजे की चीज है। अच्छा, इसको स्टॉप कैसे करूंगा मैं, स्क्रीन शेयरिंग रोकूंगा कैसे मैं। अच्छा, स्टॉप शेयरिंग, ओके। अच्छा जी, और क्या सवाल आ रहे हैं आपके? सर, इस 4 मंथ के कोर्स के बाद आपके ख्याल से फिर कहाँ मूव करना चाहिए आफ्टर दिस कोर्स, जिसमें इसी कोर्स में इम्प्रूवमेंट हो और नेक्स्ट स्किल भी हासिल हो? अच्छा देखें, अभी जो ये कोर्स है ना, ये तो बेसिक कोर्स है, बिगनर्स के लिए डिज़ाइंड है ये, और हम इसके अंदर बिगनर से इंटरमीडिएट तक हम इसमें जाएंगे। अच्छा, लेकिन इस कोर्स का जो स्कोप है ना, वो ये है कि ये कंप्लीट करने के बाद आप फॉरन इंटर्नशिप पे लग जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको किसी कंपनी में फॉरेन इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, या जूनियर चैटबॉट डेवलपर के लिए भी अप्लाई आप कर सकते हैं ये कोर्स करने के बाद। अच्छा, जब आप किसी इंडस्ट्री में इन हो जाएंगे ना, कंपनी के अंदर आ जाएंगे आप, तो फिर क्या होगा कि आपको पैसे भी थोड़े बहुत मिलना शुरू हो जाएंगे, और जाहिर है कंपनी में जब आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो नई चीजें भी आप सीखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद तो ये कोर्स इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि एक बंदा जिसको कुछ भी नहीं आता, वो 4 महीने का कोर्स करके फॉरन जो है ना पैसे कमाना शुरू कर दे। और क्या कहते हैं, और सीखता भी रहे साथ साथ। अच्छा, फिर इसमें अभी मार्केट अपने आप को डिफाइन कर रही है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो ये जो हम चीज़ सीख रहे हैं, जाहिर है इसमें अपडेट होता रहेगा, तो आप जब काम करते रहेंगे तो आप भी अपडेट होते रहेंगे साथ साथ। अच्छा, अगर कोई इसके अंदर नई डेवलपमेंट होती है, ग्राउंड ब्रेकिंग कोई चीज़ आती है, जो अभी आज का हम टॉपिक भी है हमारा कि क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि कोई ऐसा एडवांस कोर्स भी इन फ्यूचर लॉन्च करने का इरादा है। अभी बल्कि ये इन्हीं से ही दोस्त से बात चल रही थी कि वैंकूवर में कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो इंटरेस्टेड हैं कि चैटबॉट का कोर्स विद पाइथन लॉन्च किया जाए वहाँ पे। तो वेल, उस पर अभी बात हो रही है कि पाइथन पे करना क्या सही रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी एक बात है, टॉपिक है। तो एडवांस कोर्स जब आएगा तो देखेंगे, अभी जो है ना मार्केट में फिलहाल, वो सीख के आपने फ़ौरन जॉब पकड़नी है, और जॉब पकड़ के आपने फिर आगे सीखना है। अच्छा, सैयदा बुशरा अली ने सवाल किया है कि अस्सलाम वालेकुम, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। वालेकुम अस्सलाम। अब ये सवाल मेरे समझ में नहीं आया कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट क्या मतलब। वेल, मे भी ये पूछना चाह रही हैं शायद कि क्या ये चीज़ें हम कवर करेंगे। हम इस कोर्स को डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट से शुरू करेंगे, ठीक है, हम HTML और CSS इसमें नहीं पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको ज़रूर दूंगा HTML CSS होता क्या है, लेकिन हम HTML CSS पढ़ेंगे नहीं इस कोर्स में, हम डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट से शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, मोहम्मद नईम ने पूछा है, सर जी रेगुलर फेसबुक पे क्लास होगी तो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा? प्यारे दोस्त, फेसबुक पे रेगुलर क्लास नहीं होगी, ये तो शुरू के पॉडकास्ट है जो हम फेसबुक पे करेंगे, उसके बाद फिर हम जूम पे क्लास किया करेंगे, और जूम पे जब हम क्लास किया करेंगे तो उससे फिर होगा क्या कि आप सब लोगों को ना, जो क्लास में एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, तो 100 स्टूडेंट होंगे हमारी क्लास में होपफुली, तो सब लोगों के पास ये ऑप्शन होगा कि कोई भी ना अपना माइक ओपन करके सवाल कर सके। अच्छा, मेरी वैसे आदत है कि मैं जब भी क्लास शुरू करता हूँ तो शुरू में ही सबसे पहले मैं स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि भाई, अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो, पिछले लेक्चर में जो चीज़ पढ़ी है अगर उसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझसे पूछ लो, ठीक है। तो ये मेरी आदत है, मैं ये हमेशा कहता हूँ लोगों से। अच्छा, और सवालात लोग करते भी हैं बहुत सारे, तो मैं उनका जवाब देता हूँ पहले, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है ना कि हम आगे आगे पढ़ते चले जाएं और मैं लेक्चर पे लेक्चर देता जाऊँ, उससे फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो वो क्लास काफ़ी मुख्तलिफ होगी, ये तो हम अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप सिर्फ बैठ के सुन रहे हैं और कॉमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन उस क्लास में आपके पास माइक ऑन करने का ऑप्शन होगा, आप माइक ऑन करेंगे, अपना सवाल आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर, अच्छा, क्लास के आखिर में भी मैं क्वेश्चंस लेता हूँ कि भाई अभी जो मैंने बात बताई है सब लोगों को समझ आ गई है, किसी का कोई सवाल है अगर तो बताओ। अच्छा, उसके बाद मैं असाइनमेंट्स देता हूँ हर थोड़ी दिन के बाद, यानी 1 से 2 क्लास के बाद आपको असाइनमेंट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, जो असाइनमेंट्स करेगा तो वही फिर इस कोर्स में सक्सेसफुल भी रहेगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग ना सिर्फ ऐसे कोई शो नहीं है कि आप बैठे आके आपने देखा और आप घर चले गए, प्रोग्रामिंग है प्रैक्टिकल चीज़, हाथ से करने वाली चीज़ है, तो आपको ना कंटिन्यूअसली मैं कोडिंग प्रैक्टिस देता रहूँगा, तो वो भी आपको करनी होगी। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपको कोडिंग प्रैक्टिस मैंने दी, कुछ कोई टास्क दिया, कोई असाइनमेंट दिया, उसमें आप स्टक हो गए, तो उसके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, वो पेड स्टूडेंट का जो मैंने शुरू में बताया था, अलग ग्रुप बनेगा, तो उसमें आप सवाल पूछ रहे होंगे, उसमें आपके सारे फेलो स्टूडेंट्स भी होंगे, वो भी आपकी हेल्प करेंगे, मैं भी कोशिश करूंगा उसमें जवाब देने की, वैसे मोस्टली मैं उसमें नहीं जवाब दे पाता, लेकिन स्टूडेंट एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं उसमें,
तो वो होगा। अच्छा, फिर उसके बाद अगली क्लास में जब आप आएंगे ना, तो उसमें मैं पूछता हूँ कि भाई अगर कोई लास्ट जो मैंने असाइनमेंट दिया था, अगर उसमें कोई स्टक हो गया है, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, तो मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करके वो दिखाए कि क्या प्रॉब्लम आई थी, ताकि मैं देख के अभी उसको सॉल्व करूँ। आप मेरे यूट्यूब पे जाएंगे ना, तो कुछ मैंने वो क्वेश्चन आंसर के सेशन ना पब्लिक भी किए हुए हैं। वैसे तो प्राइवेट होती है क्लास, सही है, तो लेकिन कुछ मैंने उसमें से पब्लिक भी किए हुए हैं, जो क्वेश्चन आंसर के सेशन है। आप अभी जाके ना यूट्यूब पे लिखेंगे ना इंजमाम मलिक, तो मेरे चैनल पे आप जाके उसको देख सकते हैं। तो उसमें आप देखें मैं कैसे स्क्रीन शेयर करवाता हूँ स्टूडेंट से, और कैसे लोग अपना सवाल बताते हैं, फिर मैं कैसे उनको बताता हूँ कि उनकी क्या मिस्टेक उन्होंने की हुई है स्क्रीन पर। कोडिंग उनकी देख के ना बताता हूँ यार यहाँ पे आपकी मिस्टेक है, और उसको सही करवा देता हूँ फिर, और वो चल जाता है कोड। ठीक है, तो वो आप जाके देख भी सकते हैं वो कैसे करता हूँ मैं। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में चैटबॉट के लिए जावा स्क्रिप्ट प्रेफर किया जाता है या पाइथन? अच्छा, देखें इंटरनेशनल मार्केट जो है ना डिपेंड करता है कि अगर तो आप बना रहे हैं ना चैटबॉट मशीन लर्निंग के जरिए, खुद अपना चैटबॉट ट्रेन कर रहे हैं, तो फिर पाइथन में फिर होगा ये, ठीक है। लेकिन हम इस कोर्स में ना वो नहीं कर रहे, हम मशीन लर्निंग का कोर्स नहीं है ये, हम इस कोर्स में मशीन लर्निंग नहीं सीखेंगे, हम इस कोर्स के अंदर अपना मॉडल नहीं ट्रेन करेंगे, हम इसमें इस्तेमाल करेंगे पहले से बने हुए मॉडल्स, ठीक है। और वेब के ऊपर वो चैटबॉट लगा रहे होंगे, तो क्योंकि हमें अपना मॉडल ट्रेन करना ही नहीं है, तो हमें पाइथन की जरूरत ही नहीं है, ठीक हो गया। पाइथन की जरूरत जब पड़ेगी, जब आपको अपना मॉडल ट्रेन करना है, मशीन लर्निंग से कोई काम करना है, कोई आपके पास डेटा है बहुत सारा उससे, ठीक है। तो ये चैटबॉट जो हम बना रहे हैं, हम इसमें यूज करेंगे डायलॉग फ्लो का प्लेटफॉर्म, और डायलॉग फ्लो जो है वो जावास्क्रिप्ट में है, तो आपको जावास्क्रिप्ट में ही करना है अगर आपने डायलॉग फ्लो करना है, ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि हम ये वेब में डिप्लॉय कर रहे हैं, जितने सोशल प्लेटफॉर्म्स है उसमें डिप्लॉय कर रहे हैं, तो सब जावास्क्रिप्ट बेस्ट है इसके अंदर। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में जो है, जो चैटबॉट की डिमांड है, अभी कंपनीज को ये नहीं पता कि उनको करवाना क्या है, उनको बस उनको उन्होंने किसी का देखा कि यार व्हाट्सएप पे फलाने लगाया है, मुझे भी चाहिए, तो वो आपको ये बोलते भी नहीं है कि पाइथन में करो या अपना ट्रेन करो। अच्छा, कंपनीज के पास डेटा भी नहीं होता आमतौर पर, जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके पास कहाँ डेटा होता है, कोई डेटा नहीं होता, तो जावा स्क्रिप्ट ही बेस्ट है वो। और बाय द वे ये जितने भी फ्रेमवर्क है ना चैटबॉट के, कुछ पाइथन के भी हैं अभी, वो भी अल्टीमेटली जावास्क्रिप्ट में आएंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की कम्युनिटी बहुत बड़ी है और वेब डेवलपमेंट से काफ़ी करीब है ये चैटबॉट डेवलपमेंट। तो मैंने जो पिछले अभी 3-4 बैजेस पढ़ाए हैं, कुछ ऑन साइट और कुछ ऑनलाइन, तो वो तमाम मैंने जावास्क्रिप्ट में पढ़ाए हैं। सब लोगों की माशाल्लाह से जॉब्स भी लग गई हैं, सब लोग फ्रीलांस कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो दैट इज़ परफेक्टली फाइन कि जो है ना यू डू इट दैट इन जावास्क्रिप्ट। अच्छा, एक सवाल हम और लेते हैं, उसके बाद फिर हमारे गेस्ट आ चुके हैं तो हम उनको शामिल करते हैं। चैटबॉट में वॉइस चैटबॉट होगा या जैसे व्हाट्सएप में आपने दिखाया इस तरह होगा? अच्छा, चैटबॉट ना बाय द वे होता है टेक्स्ट में ही है, वॉइस की उस पर एक लेयर लगती है गूगल स्पीच एपीआई, तो हम दोनों को थोड़ा थोड़ा देखेंगे। हम वॉइस का जो प्लेटफॉर्म है ना, वो अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट को देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्लास की टाइमिंग जो है वो 5 से 7 होगी, TTS डेज में, ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे, 3 डेज में होगी। अच्छा, चैटबॉट कोर्स में बेस्ट कोर्स हाईली रिकमेंडेड, थैंक यू उसामा। उसामा भी हमारे गेस्ट होने वाले हैं अगले पॉडकास्ट में। अच्छा सर, चैटबॉट में जैसे रिप्लाई आता है वो ऑटोमेटेड होता है, मशीन को हमने फीड किया होता है, वो एल्गोरिथम को फीड करते हैं जनरेट डेटाबेस कनेक्टिविटीज में। अच्छा, ये जो अवेस आपने सवाल पूछा ना, ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसका जवाब ओरिएंटेशन क्लास में मैं दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि ये असल में सवाल पूछ रहे हैं कि काम कैसे करता है चैटबॉट, भाई वो खुद से जवाब दे कैसे रहा है, ऐसा क्या कर दिया मैं हमने उसके साथ कि वो खुद से जवाब दे रहा है। तो उसके लिए ना पहले से बना हुआ एआई का एक मॉडल है जो डायलॉग फ्लो ने बना के रखा हुआ है, हम उसके अंदर बताते हैं कि कौन सा सवाल आया और कौन सा जवाब। मिसाल के तौर पे जैसे डुप्लीकेट बिल जनरेट कर रहा है, तो हम उसमें ना डुप्लीकेट बिल के 10-12 सेंटेंसेस बता देते हैं कि यार ये बोले ना तो इसका मतलब है डुप्लीकेट बिल है। अच्छा, फिर वो एआई क्या करता है, बैकग्राउंड में वो समझ जाता है, आप किसी दूसरे अंदाज से भी बोले ना तो उसको समझ में आ जाता है कि यार ये क्या बोलना चाह रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इंटेंट। तो वो ये हम डिटेल में बात करेंगे, ये डिटेल क्वेश्चन है। अच्छा, फिर भाई बंदे को समझ में आ गया कि डुप्लीकेट बिल है, तो अब वो तो डेटाबेस में पड़ा हुआ है ना बिल, वहां से उठा के लाना है, तो वो भी कनेक्ट हो जाता है, सब हो जाता है ये, ठीक है। जो वो सारे काम जो एक पिज्जा ऑर्डर करने वाली जो मोबाइल ऐप होती है उससे जो सारे काम किए जाते हैं, वो सारे काम चैटबॉट से हो सकते हैं, ठीक है। मोबाइल फोन का अगला स्टेप है ये, मोबाइल फोन का नेक्स्ट वर्जन जो है वो चैटबॉट है। आप इसको इस तरह, तो जो कुछ मोबाइल ऐप में आप कर सकते हैं वो तमाम चीजें आप चैटबॉट में कर सकते हैं। अच्छा, सलील को हम अभी शामिल करने लगे हैं। हाय सलील, हाउ आर यू बडी? आई एम गुड बारा, हाउ आर यू? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जबरदस्त हूँ।
अच्छा जरा सलील का मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं। सलील मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और काफ़ी टाइम से हम साथ में थोड़ा बहुत कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं। सलील के लिए मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे पास्ट में, फिर लास्ट जो चैटबॉट का यही वाला जो कोर्स था चैटबॉट का, तो उसमें सलील से मैंने कहा कि यार मैं इस तरह का कोर्स स्टार्ट करने लगा हूँ। तो सलील ने कहा कि मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि मेरी अपनी भी प्रोडक्ट्स हैं तो मुझे उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो सलील उसमें भी इनरोल हुए, साथ में पढ़ाई भी की और पिछले बैच से भी कुछ स्टूडेंट्स को हायर किया इन्होंने और अभी इनको मजीद लोगों की ज़रूरत है। तो ये रात को ही मुझे इन्होंने मैसेज किया कि मुझे कुछ लोग चाहिए, तो आप जो अभी बैच शुरू कर रहे हैं या पिछले बैच में, तो कुछ मुझे आप बंदे रेकमेंड करें। तो मैंने मौका गनीमत जान के ना मैंने कहा यार एक पॉडकास्ट करते हैं, बड़े दिनों से हमारी बात भी नहीं हुई है सलील, तो मैंने कहा थोड़ी बात बात भी हो जाएगी, थोड़ा हेलो हाय कर लेंगे। हाँ तो बजाय फोन पे करने के ना, क्योंकि सलील बात जो करते हैं ना वो बहुत पते की बात करते हैं, और क्योंकि सलील का ना डिजाइन का बैकग्राउंड है, मैं तो थोड़ा सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से ना इंजीनियर वाला दिमाग है मेरा, तो इंजीनियर होता है थोड़ा लेफ्ट ब्रेन वाला, कैलकुलेशंस वगैरह में ज्यादा चलता है, लेकिन सलील का जो थिंकिंग है, जो सलील का जो वे ऑफ थिंकिंग है वो थोड़ा डिजाइनर वाला है, थोड़ा क्रिएटिव थिंकिंग है इनकी। तो सलील अपने बारे में जरा कुछ बताएं पहले, तो आप खुद ही, मैं तो जो मुझे पता था नहीं, वो मैंने बताया। थैंक यू, आई अप्रिशिएट द इंट्रोडक्शन। सो हाय, माय नेम सलील। आई वर्क एज अ प्रोडक्ट मैनेजर एट एन अमेरिकन कंपनी वर्किंग इन डेवऑप्स, बट आई पर्सनली गॉट इंटरेस्टेड इन डिजिटल असिस्टेंट्स एंड वॉइस एप्स अबाउट 5 7 years अगो। जब भी पहली बार गूगल ने और अलेक्सा ने, अमेजोन ने लॉन्च किया था, तब इट्स लाइक अ न्यू फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं नई टेक्नोलॉजीज का अडॉप्टर रहा हूँ। सो व्हाट आई फाउंड वाज, ओ आई वाज क्यूरियस हाउ डू आई वर्क दिस, एंड दैट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई लाइक एनी अदर टेक्नोलॉजी। सो मैंने वीआर का भी मैं काफी अर्ली अडॉप्टर रहा हूँ। Like any other technology, I try to figure out how to make like an app for that particular platform. And along the journey, मुझे मलिक भाई के YouTube videos मिले, तो मैंने कहा भाई इस इंसान को पता है, मैं इस इंसान से बात करना चाहता हूँ। फिर हमने बात की, we try to work on projects together. And then I think I have kind of seen the entire market evolve with time due to my personal interest. मैं personally इसमें interested था कि मैंने ये काइंड ऑफ थिंग पहले ही देखी थी कि वॉइस, मैं एक्सपेक्ट, ये ब्लॉकचेन आया हुआ है, सारी ऐसी नई नई टेक्नोलॉजीज हमेशा आती रहती है एंड दे आर डिसरप्टिव। न्यू टेक्नोलॉजीज कैन बी डिसरप्टिव, बट वो डिसरप्ट करने के लिए उसका जेस्टेशन पीरियड होता है कि वो मच्योर होने के लिए उसको वक्त लगता है। एंड आई फाउंड इमीडिएटली एज सून एज आई बॉट दीज वॉइस असिस्टेंट डिवाइसेस, मेरा 60 to 80% ऑफ माई गूगल सर्चेस कुड जस्ट बी ट्रांजिशन टू दैट डिवाइस। ये मेरे लिए मतलब ये मैंने पॉसिबल ही नहीं सोचा था। सो जब मैंने इसकी अपॉर्चुनिटी देखी तब मैंने कहा कि ओके, लाइक वॉइस एज अ प्लेटफॉर्म इज रियल, इट्स ऑलरेडी हियर एंड इट इज गोइंग टू बी डिसरप्टिव। बिकॉज आज की तारीख में हम सब लोग, ये आई थिंक यू नो ओवेस भाई का सवाल था कि हाउ हाउ डू चैट बॉट्स वर्क एंड व्हाई इज वॉइस इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ थिंग। सो आई एम जस्ट गोना टच ऑन दैट इफ दैट्स ओके मलिक भाई। थैंक हाँ बिल्कुल यू। सो इसेंशियली एआई में विंटर्स होते हैं और स्प्रिंग होते हैं। सो एआई का स्प्रिंग क्या है कि एआई के फील्ड में नई नई चीजें लाइक यू नो डेवलप हो रही है, लाइक नई चीजें हम कर पा रहे हैं, उसको स्प्रिंग कहते हैं कि भाई नई चीजें आ रही है। फॉल लाइक फॉल मतलब ये कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, हमारे पास कंप्यूट पावर नहीं है, हमारे पास थियोरियां है सारी लेकिन हमारे पास कंप्यूट पावर नहीं है वो थियोरीज को अमल करने के लिए या फिर टेस्ट करने के लिए। So we have been in an AI spring for a while, and during that AI spring, what has happened is DeepMind, OpenAI, Microsoft, Google, इन जैसे companies ने, they have created these massive language models which are able to understand human language and respond to it in a very natural form. Now, because that has happened, वॉइस हैज बिकम अ रियालिटी। सो जो लोग आज कंप्यूटर से लाइक यू नो इंटरैक्ट कर रहे हैं, सो राइट नाउ व्हेन वी आर कन्वर्सिंग विद आर डिजिटल सेल्फ, हम हमारे लाइक यू नो इंटरनेट इंसान के
लाइक यू नो इंटरनेट के साथ जो इंटरेक्ट करने के लिए जाते हैं हम कीबोर्ड और माउस इस्तेमाल करते हैं जो एक बॉटलनेक है as versus that exactly it's a bottleneck as versus that voice is very intuitive like as soon as we are born before we learn anything else we learn how to speak insaan sabse pehli cheez bolna seekhta hai aur sunna seekhta hai baki sab cheezon se pehle so agar aap anpadh bhi ho to bhi aap bolna jante ho so you can interact with the internet in some form or the other with voice as compared to like you know keyboard and mouse so aapko angrezi aana zaruri hai aapko likhna padhna aana zaruri hai ye sari cheeze jaane wali hai so again because I saw this I was like okay there is a lot of potential in this field and I can contribute towards it agar aapko kisi bhi field mein especially like you know north america mein ye sari cheeze develop hoti hai aur agar north america mein develop ho rahi hai koi gora develop kar raha hai अगर आप उसमें कंट्रीब्यूट करके उसको चेंज करना चाहते हो उसका डायरेक्शन तो आपको इन्वॉल्व होना जरूरी है सो आई थॉट यू नो आई विल जंप इन एंड ट्राई एंड लर्न दैट फील्ड सो हियर आई सलील वो बताया ना जो आपने गूगल असिस्टेंट जो अपनी अम्मी को सिखाया वो मैंने भी बताया तो वो फौरन सीख गए अब जैसे सलील ने मुझे बताया कि जो है ना इन्होंने होता है जैसे कि अम्मी को सिखाना पड़ता है कि भाई कैसे होगा फोन में फेसबुक कैसे चलेगा तो वो मैं मेरे लिए बड़ा मसला था तो वो YouTube में कैसे रेसिपी निकलेगी कैसे सर्च होगा तो वो मैंने ना वॉइस वाला एक बटन है YouTube में दे दिया इन्होंने तो वो प्रेस करके मैंने कहा जो भी बोलेंगी वीडियो आ जाएगी तो अब बहुत नई नई रेसिपीज निकल रही होती हैं और सब कुछ आ गया समझ में हालांकि मेरी अम्मी जो है वो डॉक्टर हैं पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं तो पढ़ी लिखी खातून है मतलब और डॉक्टर्स का यानी नई नई जो डिजीज आती रहती है तो इनकी मीटिंग्स होती हैं एग्जाम्स होते हैं बाकायदा वो पढ़ाई करके टेस्ट देना होता है तो मतलब लेकिन उनको भी शी इज हैविंग अ हार्ड टाइम कि यार ये टेक्नोलॉजी क्या बकवास है मतलब क्योंकि उनके टाइम पर ये चीज़ें नहीं थी कॉमन ये अभी पिछले 10-12 सालों में लोगों ने अडॉप्ट की हैं कॉमन हुई हैं और अब काइंड ऑफ एक मजबूरी बन चुकी है उसके बगैर काम नहीं होता डॉक्टर्स के भी ग्रुप आपस में बने हुए हैं व्हाट्सएप के ऊपर तो वो कम्युनिकेट इसी पे कर रहे होते हैं तो मैंने भी ना ये वॉइस सिखा दिया मसला हल हो गया तो सलील जैसे ये व्हाट्सएप है व्हाट्सएप के आने से पहले मुझे अच्छी तरह याद है जब व्हाट्सएप शुरू शुरू में आया था मैंने नहीं इंस्टॉल किया था मुझे अल्टीमेटली करना पड़ा क्योंकि जो बस का कंडक्टर है या जो पान का खोखा चला रहा है और जो खड्डा खोदने वाला मजदूर है जो चाय का खोखे पे वेटर है जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है वो व्हाट्सएप यूज कर रहा है क्यों व्हाट्सएप यूज कर रहा है क्योंकि इट्स द इजिएस्ट थिंग यू कैन एवर हैव कि भाई लॉगिन नहीं है उसके अंदर और बहुत जैसे प्रेस करो कुछ बोलो तो चला जाता है तो आई थिंक के वॉइस इज ऑल जैसे आपने जिक्र किया अभी कि भाई बंदा सबसे पहले बोलना सीखता है ऐसे मैं जो मेरी प्रेजेंटेशन होती है एक टेक्निकल उसमें मैं एक वो फोटो दिखाता हूँ कि वो निंद्राल एक फैमिली है जो क्या कहते हैं उसकी वो खोपड़ियाँ कोई मिली हैं साइंटिस्ट को तो वो इट्स मिलियन ईयर अगो 100,000 ईयर्स अगो वो प्रेडिक्ट करते हैं कि वो थी तो उनके थ्रॉट को देख के लगता है यार कुछ बोलते थे ये बट अर्लीस्ट राइटिंग जो है वो जस्ट 5,000 ईयर्स अगो है तो हमें बोलने का एक्सपीरियंस एंसेस्ट्री में भी ज्यादा है ट्रू और बच्चा सीखता भी सबसे पहले बोलना है लिखना तो बहुत बाद में सीखता है बंदा क्योंकि वो हमारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में हम यानी ये बात हम जानते हैं कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में हम बोलना जानते हैं हम कम्युनिकेट करना जानते हैं दिस इज द प्राइमरी मीडियम तो इवन दो के व्हाट्सएप इज द वेरी इजी थिंग टू हैव एक यानी जो लिखना नहीं जानता बंदा बोलना वो भी जानता है बोलना हर कोई जानता है तो उसके लिए इजीएस्ट थिंग व्हाट्सएप है लेकिन आई थिंक जब ये वाली चीज आएगी ना तो दिस इज समथिंग के व्हाट्सएप को भी इसने पीछे छोड़ देना है कहीं नहीं सही बात है अभी आई थिंक अगेन टू यू नो जंप ऑफ टू द फ्यूचर अभी फिलहाल का जो ये था आपने आपने लाइक डिड यू गिव देम अ ले ऑफ द लैंड की ये लाइक अभी हम लोग लाइक डायलॉग फ्लो और अलेक्सा इस्तेमाल कर रहे हैं काइंड ऑफ राइट सॉरी अगर आप मेरे पीछे आवाजें सुन रहे हैं तो वो मेरी पपी है वो चीजों के साथ खेल रही है और ये वो बिजी रहना बेहतर है वरना हमें परेशान करेगी सो माफ कीजिएगा बट या सो एसेंशियली इफ यू गिवन देम अ ले ऑफ द लैंड तो मैं थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड लूंगा ठीक है सो ये हाँ तो ये जो लाइक यू नो एआई का मैं स्प्रिंग की बात कर रहा था वैसे सॉरी मैं बाकी लोगों को बताता चलूं हम ना सलील और मैं ये बातें हम फोन पे करते हैं अक्सर
मतलब हम महीने में एक बार हम कनेक्ट होते हैं और हम फोन पे ये बातें करते हैं। तो मैंने सोचा इस दफा ये हम पब्लिक में करें ताकि सब लोगों का फायदा हो, ऑन रिकॉर्ड भी आ जाए, और हम क्योंकि कोर्स भी शुरू करने लगे हैं तो लोगों के बहुत सारे सवालात हैं जो हमारी बातों में जिसका आंसर छुपा हुआ है। तो सलील से ये बातें मैं कर रहा होता हूँ और डेली बेसिस, मतलब वीक में एक बार या दो वीक में एक बार। सलील कंटिन्यू करें। थैंक यू। ये एक्चुअली यू नो मलिक भाई के लिए रिपीट होगा क्योंकि हमने ये कुछ कॉन्वर्सेशंस पहले से किए हुए हैं, लेकिन लाइक ही करेक्टली पॉइंटेड आउट, आई थिंक इट विल ब्रिंग वैल्यू टू द ऑडियंस। इसके लिए मैं ये रिपीट कर रहा हूँ थोड़ी सी चीजें कि लाइक ऑब्वियसली मलिक भाई को तो ये पता है कि ये जब लाइक यू नो AI स्प्रिंग आए थे तब इसमें इन्होंने क्या किया कि दे फाउंड आउट वेज हाउ टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। अभी कंप्यूटर तो बिट्स में बात करता है, उसको तो ह्यूमन लैंग्वेज का कोई अता पता नहीं है, उसको कैसे समझ आती है लाइक यू नो कोई भी लैंग्वेज। अंग्रेजी से शुरू करते हैं, सो वॉट दे डिड इज दे गेव इट अ लॉट ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स की आवाज जब इंसान लैंग्वेज में कोई बात करता है, लाइक लैंग्वेज इज एसेंशियली अ कलेक्शन ऑफ साउंड्स, तो ये साउंड्स ऐसे सिलेबल्स अगर साथ आते हैं तो शायद ये लव्स है। ये उसको एक बड़ा प्रोबेबिलिस्टिक लाइक यू नो मशीन लर्निंग का मॉडल होता है, वो एक होता है वो लैंग्वेज समझने के लिए। फिर दूसरा दिस दैट इज यू नो लाइक स्पीच टू टेक्स्ट का एक ये होता है, सो दैट इज लाइक द स्पीच लेयर। देन देयर इज लाइक यू नो NLU, सो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। सो लाइक देयर इज नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग व्हिच पावर्स दैट लाइक ML मॉडल व्हिच हेल्प्स यू अंडरस्टैंड and like so helps the computer understand you and you understand the computer. So like jab computer baat karta hai to wo pehle like you know obviously text likhta hai aur fir text ko ek voice mein convert karta hai, to voice ko convert karne ke liye usko ek neural vocoder hota hai, so neural network ek hota hai jisme again they are using all of these like you know ye syllables ka ek collection ka ek probabilistic model hota hai और उसको वो लोग एक न्यूरल नेटवर्क के थ्रू पास करते हैं जिसमें काफी सारे वेट्स एंड बायसेस होते हैं। सो वेट्स एंड बायसेस आर द वे इन विच यू लाइक यू नो ट्वीक अ न्यूरल नेटवर्क टू गिव यू द काइंड ऑफ रिजल्ट दैट यू वांट। सो उसके बाद वो एसेंशियली उस चीज को लाइक यू नो प्रोसेडी एक चीज होती है लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेसिफिकली, हर एक लैंग्वेज में ये चीजें होती हैं। बोलने का एक तरीका होता है, आप यू नो आप जब एक्सप्रेस कर रहे हो एज अ ह्यूमन एंड व्हेन अ कंप्यूटर इज स्पीकिंग आपको डिफरेंस नोटिस होता है। वो डिफरेंस जो है वो अब जाने वाला है, इनफैक्ट जा चुका है काफी हद तक। सो द वे इट इज बीइंग पावर्ड इज थ्रू दिस मशीन लर्निंग एंड यू नो AI मॉडल्स। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज एज वी लाइक यू नो करंटली इन द करंट फॉर्म ऑफ इट हम लोग गूगल और अमेजोन के ये इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लग इन कर रहे हो उसमें लाइक अपना छोटा छोटा डेटा एंड वी आर यूजिंग देयर बिग लैंग्वेज मॉडल्स टू गिव पीपल द अबिलिटी टू आइदर कनेक्ट वी आर चैट बॉट्स और वी आर वॉइस एंड अदर मल्टी मॉडल लाइक यू नो मल्टी मॉडल मीनिंग की लाइक स्मार्ट टीवीज के थ्रू, आपके लाइक मोबाइल फोन के असिस्टेंट के थ्रू या अलग अलग मोडालिटीज के थ्रू हम आपको ये बॉट का एक्सपीरियंस दे रहे हैं। अच्छा, अच्छी बात ये है कि सलील अब जैसे आप चैटबॉट, आप भी आपकी भी प्रोडक्ट्स हैं चैटबॉट की, अभी उसके बारे में भी हम आपसे पूछेंगे कि वो क्या है, वो क्या करती है चैटबॉट की प्रोडक्ट्स। तो आपने जब वो चैटबॉट के प्रोडक्ट्स बनाए तो वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, ये सारी चीजें गूगल ने संभाली हुई है, उन्होंने AI का मॉडल ट्रेन किया हुआ है। और आपने जो चैटबॉट अभी लास्ट भी कोर्स में भी इनरोल थे आप और आपने जो खुद बनाया हुआ है तो वो अलेक्सा पे है, चलता है वो, बट अलेक्सा पे ये चीजें आपको नहीं करनी पड़ी क्योंकि वो गूगल ने पहले से की हुई है। एग्जैक्टली, ये अब हमसे मतलब एज अ चैटबॉट डेवलपर यू आर लाइक यू नो यू आर कंप्लीटली अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दीज लाइक मशीन लर्निंग एंड NLP मॉडल्स, क्योंकि ये सब उन्होंने किया हुआ है। आपको क्या करना है, आपको वो सिर्फ प्लग उन्होंने दिया हुआ है कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करो। सो अब ये उसमें क्या होता है कि एक इंटेंट मैचिंग ये है, जस्ट वन सेकंड सॉरी, उसमें एक इंटेंट मैचिंग होता है, उसमें एंटिटी रिकग्निशन होता है, उसमें लाइक अगेन ऑल ऑफ दीज मशीन लर्निंग मॉडल्स टुगेदर मेक द होल ऑफ लाइक गूगल डायलॉग फ्लो या अमेजोन अलेक्सा। आप उसमें जाके जब आप अपनी चीजें बना रहे हैं वहां पे उन्होंने लाइक एक कंसोल बनाया हुआ है, एक लाइक यू नो GUI इंटरफेस है, एक ग्राफिकल इंटरफेस है जिसमें आप जाके यू नो लाइक चीजें प्लग इन कर रहे हो
और लाइक अपनी लाइक चैटबॉट आप बना रहे हो. अगेन ऑब्वियसली उसमें भी कस्टम चीजें हैं जो मलिक भाई आपको कोर्स में पढ़ाएंगे लाइक यू नो मोर इन डेप्थ कि आप ज्यादा उसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ा सकते हो बाय राइटिंग योर कस्टम कोड ऑन योर कस्टम सर्वर एंड स्टफ. बट राइट नाउ ऑल ऑफ द ट्वीक्स ऑफ लाइक वो वेट्स एंड बायसेस जो मैं बता रहा था ये आपसे बहुत दूर है. ये आपको ना टच करने का मौका है अमेजोन अलेक्सा में या गूगल में. लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अंडरलाइंग टेक्नोलॉजीज क्या है, मैं किस चीज को इस्तेमाल करके आगे की चीज बढ़ा रहा हूँ. इसके लिए मैंने ये थोड़ा सा आपको क्विक एक्सप्लेनेशन दिया. अच्छा सलील, थोड़ा सा वो बताएं कि जो आपकी एप्स हैं जो बनाई हुई है आपने, कौन कौन सी हैं वो? दो तो मुझे पता है, एक तो स्टोरी टेलर जी और एक गैरी वे. गैरी वे दो तो मुझे पता है. हाँ. और कोई है इसके अलावा भी? अच्छा ये दोनों के बारे में भी जरा बताएं. जरूर जरूर. सो अगेन सो स्टार्टिंग में जब मैंने यू नो मैं इस टेक्नोलॉजी के साथ मेरा क्या मेरी मुलाकात हुई तब व्हाट आई फाउंड इज कि मैं इसका इस्तेमाल कैसे करना चाह रहा हूँ. सही है राइट? लाइक आई वांटेड टू ट्राई समथिंग सिंपल, नथिंग लाइक फैंसी. तो मैंने सोचा कि भाई मुझे कहानियां सुनना पसंद है और इसमें कहानियां ये बताता है क्या? तभी वो नहीं बता रहा था, ये 2016 की बात है, अब सब कुछ है लेकिन तभी वो कहानियां नहीं बता रहा था. तो मैंने कहा सही है भाई, मैं कहानियां सुनना चाहता हूँ, मैं कहानियां कैसे बुलवाऊँ इससे. तो आई वेंट डाउन द रैबिट होल, रिसर्च किया, फिर मलिक भाई से मुलाकात हुई. सॉरी थोड़ा सा मैं आपको, आप जरा ये भी बताइएगा कि 2016 में आपको ये ख्याल आया और आपने ये ऐप बनाना शुरू की गूगल असिस्टेंट पे और एलेक्सा पे. तो ये आपसे हम सुनेंगे कि वो क्या है ऐप, लेकिन उससे पहले ये भी बताएं कि आपका इंट्रोडक्शन कहाँ पर हुआ, पहली दफा कहाँ पे आपने सुना कि ये चैटबॉट कोई चीज, क्योंकि मेरी वीडियोस भी तो आपने सर्च की होगी ना, जब ही तो वो मिली, तो आपको पता कब चला और कैसे पता चला और क्या आप क्या चीज ऐसी आपको नजर आई कि आप इसमें इंटरेस्टेड हो गए? सही. तो ये आपने जो पॉइंट जब बताया था तो वो मैं कहानी बता दूं. सो एसेंशियली मैं नई टेक्नोलॉजीज का अडॉप्टर हूँ, तो मैंने लाइक एक गूगल असिस्टेंट ले आया. मैं कहा सही है कोशिश करके देंगे. मैं वीआर का भी हेडसेट लेके आया था जब ऑक्यूलस को फेसबुक ने खरीदा भी नहीं था. तो मैं लाइक डिजिटल असिस्टेंट ले आया, मैंने कहा ठीक है पानी में गए पैसे, अब देखते हैं क्या होता है इससे. बट आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी, मैं एज अ प्रो यूजर मेरे 60-80% यू नो सर्चेस ट्रांजिशन हो पाए इस वॉइस के डिवाइस पे. आई वॉज लाइक माइंड ब्लोन. मैंने कहा ठीक है भाई, ये मेरी अकेले की एक्सपीरियंस हो सकती है, क्या पता. मेरे घर पे अम्मी आई हुए थे, तो अम्मी को कंप्यूटर नहीं आता हमारी, तो उनको मैंने फिर भी बताया हुआ था कि देखो भाई अगर आप लाइक बोर हो रहे हो, मैं काम पे गया हूँ, तो ये लाइक यूट्यूब है और मेरा टीवी जो आप पीछे देख रहे हैं वो एक्चुअली कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है. सो इफ यू वॉन्ट टू वॉच एनीथिंग ऑन इट, यू हैव टू ओपन अ ब्राउजर एंड लाइक डू इट. शी डजंट नो हाउ टू डू एनीथिंग, उसको कंप्यूटर्स कैसे इस्तेमाल करने वो नहीं पता. तो अनफॉर्चुनेटली आई वॉज लाइक वरीड कि यार इनको ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा. मैंने कहा एक बैकअप देता हूँ इनको कि अगर ना बाकी कुछ नहीं पॉसिबल हुआ आपको, आप सिर्फ इसको बोलना एक गूगल भाई मुझसे ये काम, मेरे लिए ये काम कर दो कि यूट्यूब पे ये चला दो, और वो चला देगा आपके लिए. तो मैं काम के लिए गया था, मैं घर पे आया तो YouTube पे गाने चल रहे थे. मैंने कहा यार इसको कंप्यूटर आ गया, क्या बात है. तो मैंने अम्मी से पूछा कि भाई आपने ये चलाए, कैसे चलाए. तो फिर लाइक यू नो अगेन यू टेक यूजर फीडबैक राइट, कि यूजर्स ने कैसे इसके साथ इंटरेक्ट किया. एंड शी वॉज लाइक कि भाई मुझे लाइक ये कंप्यूटर का तुम्हारा नहीं समझ आया, लेकिन मैंने उसको बोला और उसने मेरे लिए लगा दिया, तो वो मैं वो सुन रही हूँ. मैंने कहा बढ़िया है. बट वॉट इट हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड इज कि सिर्फ प्रो यूजर्स के लिए ये नहीं है, दिस इज फॉर लाइक वेरी बेसिक यूजर्स एज वेल. सो व्हेन आई सॉ दैट आई कुड सी कि जैसे पहली बार आईफोन आया था तब वो एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी. तब टच स्क्रीन्स ना थे, लाइक ना किसी ने देखे थे ना किसी ने एक्सपीरियंस किए थे, और अगर देखे थे तो भी वो बकवास थे, कोई अच्छे नहीं थे. सो दैट ओपन्ड अ वाइड ब्लू ओशन कि भाई उस पे आप अगर आईफोन है तो आईफोन के ऊपर एप्स बन सकते हैं. तो मैंने कहा यार अगर ये वॉइस की टेक्नोलॉजी है तो इसके ऊपर भी एप्स बन सकते हैं, जरूर बनते होंगे, कैसे बनते हैं.
तो मैं रिसर्च करने लगा, अच्छा भाई ये गूगल के ऐप्स कैसे होते हैं, तो ये क्या होता है, ये बला क्या है. सो मैं यूट्यूब पे गया, फिर लाइक यू नो समहाउ समवेयर मैं मुझे पता चला, अच्छा ये गूगल का डायलॉग फ्लो होता है. मैंने कहा अच्छा ये डायलॉग फ्लो क्या है भाई, फिर डायलॉग फ्लो को समझो. तो डायलॉग फ्लो को समझने के लिए आपका एक कोई वीडियो मिला था, मैंने कहा अच्छा इस बंदे को शायद कुछ पता है और ये उर्दू में बात कर रहे हैं. मुझे मेरी उर्दू तभी इतनी अच्छी भी नहीं थी, मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं सुन लेते हैं, जितनी समझ आई समझ आई. तो तभी लाइक मैंने सुनने की कोशिश की समझने की कोशिश की, लेकिन मेरी कोडिंग की बैकग्राउंड नहीं है तो मैं लाइक यू नो आई कुड अंडरस्टैंड 30-40% ऑफ इट, बट लाइक रेस्ट वाज लाइक ओके फ्लाइंग ओवर माय हेड. मैंने कहा मैं यू नो लाइक आई ट्राई एंड फाइंड अ पर्सन कि मैं जिससे सीख पाऊँ, और नसीब से मुझे आप ही मिले. तो मैंने कहा यार मैंने आपका यूट्यूब वीडियो देखा है, तो दिस वॉज माई इंट्रोडक्शन टू लाइक दैट थिंग एंड व्हाई लाइक यू नो आई एक्चुअली वेंट डाउन द पाथ कि भाई मुझे इस पे कोई ऐप बनाना है, बिकॉज व्हाट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड इज हाउ इजी और डिफिकल्ट और व्हाट वर द कंस्ट्रेंट्स ऑफ दैट सैंडबॉक्स. राइट, हम जिस सैंडबॉक्स में खेल रहे हैं उस सैंडबॉक्स के लाइक बॉर्डर्स क्या है कि भाई मैं वॉइस की टेक्नोलॉजी के साथ बिल्ड क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ, ये मुझे समझना था. तो इसके लिए मैंने कहा कि कोई छोटा सा एक लाइक यू नो लाइक चीज लेते हैं, मुझे कहानियां सुनना पसंद है तो भाई ये मुझे कहानियां बताए, ये तो ये कर सकता है, इसको लाइक ये वॉइस वाला चीज है तो ये शायद कर लेगा. अगेन मैं अपने ख्याली पुलाव पका रहा था, फिर बाद में जब लाइक मलिक भाई से बात हुई तब उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये देखो ये पॉसिबल है ये पॉसिबल नहीं है, ये इसके कंस्ट्रेंट्स हैं, आप और लाइक यू नो यू आर वर्किंग विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी एट एनी गिवन टाइम. किसी ने सवाल पूछा था कि उर्दू की लैंग्वेज टेक्नोलॉजी लाइक यू नो क्यों नहीं है अब तक डायलॉग फ्लो में, तो उसके भी लाइक यू नो लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, वो बहुत ट्रेन कर रहे होते हैं उसको और वो कभी कभी यू नो लाइक रिलीज भी करते हैं. पिछली बारी आई थिंक ये 2021 या 2022 में कभी तो लाइक मलिक भाई ने एक वीडियो भी बनाया था उर्दू के चैटबॉट की टेस्टिंग की, क्योंकि उर्दू हिंदी दोनों आ गया भाई लगे डायलॉग फ्लो में वो, लेकिन अभी थोड़ा हिंदी बेहतर है, उर्दू तो बिल्कुल अभी सही काम नहीं कर रहा. हाँ, लेकिन उन्होंने वापस ले लिया क्योंकि सही काम नहीं कर रहा, तो दे डोंट वांट एनीथिंग व्हिच इज नॉट वर्किंग वेल आउट देयर, बिकॉज देन लाइक वॉइस एज अ टेक्नोलॉजी, बिकॉज आप देयर इज नो कंप्यूटर देयर इज नो स्क्रीन, वो यूजर को फ्रस्ट्रेशन लाइक इमीडिएटली ला देती है. सो अगर सही तरीके से एक्सपीरियंस नहीं है तो बंदा लाइक यू नो लाइक इस टेक्नोलॉजी को कभी अडॉप्ट ही नहीं करेगा. इसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि लाइक कभी कभी थोड़ी सी टेस्टिंग करते हैं और उनको नजर आया कि नहीं भाई ये लैंग्वेज मॉडल अभी इतना लाइक यू नो तैयार नहीं है, पका हुआ नहीं है, तो वो लोग वापस ले लेते हैं उसको, कहते हैं भाई इसको पकाएंगे और अच्छे तरीके से आपको देंगे. सो इसके लिए लाइक यू नो लाइक सम ऑफ दीज लैंग्वेजेस लाइक हिंदी उर्दू लाइक यू नो दे आर नॉट 100%, इवन इंग्लिश इज नॉट 100% येट, राइट? लाइक इंग्लिश इज द बिगेस्ट लैंग्वेज दैट दे हैव बीन ट्राइंग टू डेवलप, बट इवन दैट इज नॉट 100% बिकॉज human language and human conversation is very complex aur usme bahut sari cheeze hoti hai jo you know you have to kind of like figure out in terms of making it very seamless, making it very natural, making it feel human. So wo sari cheeze leke aane tak bahut waqt lag jata hai, bahut data lagta hai aur bahut you know smart log lagte hain wo cheez karne ke. So anyways, that was my journey into making voice apps. तो सलील की अब ये बात देखें, सलील की कितनी अच्छी लगती है मुझे कि सलील विश के ये जो मैं डिवाइस लेकर आया हूँ अब ये मुझे कैसे मेरी कहानियाँ मुझे कैसे सुनाए, मेरे मतलब की कहानी कैसे सुनाए, ये जो थिंकिंग है ना दिस इज व्हाट आई लव. अच्छा इस थिंकिंग की वजह से सलील थोड़े डिफिकल्ट भी हैं समटाइम, क्योंकि सलील बिल्कुल इमेजिन करते हैं एक चीज को फ्रॉम स्क्रैच, तो थोड़ा डिफिकल्ट भी रहता है. मतलब जब हमारी पहली बार बात हुई थी जैसे सलील ने बताया कि भाई मलिक भाई ने मुझे कहा कि ये चीज़ पॉसिबल है ये चीज़ नहीं है, तो टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन मैंने इनको बताई, लेकिन ये थिंक करते हैं चीज़ों को सोचते हैं और ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बावजूद इसके कि मुझे इससे काफ़ी मुश्किल होती है कि यार सलील ये तो हो ही नहीं सकता जो आप कह रहे हो, लेकिन थॉट प्रोसेस जो है ना इनका वो बड़ा ज़बरदस्त है. अच्छा तो फिर सलील आपने सोचा कि यार इसके मैं कहानियाँ कैसे सुनूँ, फिर आपने सर्च वर्च किया, फिर आप मुझसे मुलाकात हो गई आपकी. अच्छा अब ज़रा बताएं कि ये अभी तक वो क्या है, क्या रिलीज हो गया है वो या अभी होने वाला है, क्या चक्कर है? वो रिलीज होने के लिए अमेजोन ने कहा है कि रिज्यूम इंटेंट आपका नहीं हुआ है, कैंसिल इंटेंट नहीं है तो वो सही करो. सो एसेंशियली व्हाट वी डिड इज दिस स्टोरी टेलर व्हिच वाज लाइक यू नो अगेन मैं ये सोच रहा था कि भाई ये तो मैं इसको लाइक यू नो लाइक लेटर वाली कहानियां दे दूंगा और ये मुझे पढ़ के बता देगा, बट ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी तभी, ठीक है. आज 2022 में एग्जिस्ट करती है वैसे बहरहाल, लेकिन तभी नहीं ये थी.
तो हम दोनों लाइक यू नो, मैं तो ये यार ये कैसे होगा, फिर लाइक मलिक भाई कह रहे देखो भाई अगर तुम्हारे पास रिकॉर्डेड MP3 है तो हम कर सकते हैं. मैंने कहा अच्छा ये अच्छा पैतरा है. एंड अगेन यू नो लाइक फॉर अ पर्सन हु इज क्रिएटिव यू आर थिंकिंग अबाउट द आइडिया, यू नीड समवन टू टेल यू द कंस्ट्रेंट्स एंड ऑल्सो अ वे टू बी लाइक अच्छा ये 100% तो पॉसिबल नहीं है बट हम ये तरीके से कर सकते हैं. सो लाइक द डिवेलपर ऑल्सो नीड्स टू बी क्रिएटिव इन देयर ओन वेज. सो यू नो इवन दो लाइक डिवेलपमेंट इज अ लेफ्ट ब्रेन थिंग, आई वुड ऑल्सो से इट्स अ वेरी क्रिएटिव थिंग बिकॉज यू आर सॉल्विंग लॉजिकल प्रॉब्लम्स एक्सट्रीमली क्रिएटिवली. सो इट इज ऑल्सो क्रिएटिव इन इट्स ओन वे. यू नो लाइक क्योंकि मलिक भाई का मैंने ये देखा कि he will find a way to make the constraints to work within the constraints of the technology but make your idea possible and that I think is a brilliant thing, you know, like a brilliant skill to have as a developer. क्योंकि आपको जब लाइक यू नो जैसे मलिक भाई पहले स्टार्टिंग में कह रहे थे कि आपके पास जब क्लाइंट आएगा कि भाई मुझे चैटबॉट चाहिए, उसको वो कभी कभी उसको ये भी नहीं पता होगा कि उसको एक चैटबॉट चाहिए या उसको कौन से प्लेटफॉर्म पे चाहिए. वो आपको ये नहीं बताएगा कि भाई मुझे Node.js का लाइक यू नो डायलॉग फ्लो वाला लाइक ये बना के दे दो, बॉट बना के दे दो. वो बोलेगा कि भाई देखो मुझे WhatsApp पे ऑटोमेटेड चाहिए, तुम कैसे करोगे मुझे करके दे दो. सही है, अब वो कैसे करना है ये आप पे और लाइक यू नो अंडरस्टैंडिंग लाइक वॉट इज द बिजनेस, वॉट इज हिज नीड, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, ये समझना लाइक एज अ डेवलपर आपको जरूरी है. और ये मलिक भाई का लाइक यू नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइक पीपल्स रीजन टू यूज अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, ये वो समझ लाइक कैसे समझ लाइक यू नो समझना है ये वो जानते हैं. एंड आई थिंक मोस्ट पीपल नीड टू वर्क ऑन अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट एंड व्हाई दे आर ट्राइंग टू डेवलप इट. वंस अ पर्सन अंडरस्टैंड्स दैट देन दे आर वेरी लाइक यू नो मोर केपेबल ऑफ लाइक डिलीवरिंग इट टू देम. क्योंकि जब मैं लाइक यू नो पहली बार आया था मलिक भाई के पास कि भाई मेरे लिए डेवलप कर दो, मुझे लाइक ना कोई टेक्नोलॉजीज की पता थी कि भाई क्या बैक एंड है क्या फ्रंट एंड है, कुछ नहीं पता था. राइट, सो आई एम लाइक ओके ये तो सब पॉसिबल ही होगा, जो मैं सोच रहा हूँ हर एक चीज पॉसिबल है और हर क्लाइंट आपके पास आएगा तो यही सोचेगा. क्यों मलिक भाई? तो ये एक ना कोई मैं बड़े टाइम पहले कोई देख रहा था क्लिप वगैरह, तो कोई बंदा था उसने ना ये बोला कि आई एम नॉट अ सीईओ आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर. आई एम नॉट श्योर वो कौन था, आपको अगर क्या पता नाम बताओ तो बताइएगा. गैरी वो मैंने ना उसकी बात को ज्यादा दिल पे ले, मतलब मैंने रियलाइज किया कि यार सही कह रही है. तो बात कोई भी बंदा कोई भी कंपनी इस वक्त सीईओ थोड़ी ढूंढ रही है, उनको तो प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए ना. तो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर यू आर नथिंग इफ यू कैनॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम. तो मैंने उसकी बात को ना ज्यादा दिल पे ले लिया. तो अभी भी जितने भी लोगों से मैं बात करता हूँ तो मैं उनको ऐसे ही बोलता हूँ कि भाई आई एम नॉट अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर. तो अगर कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे नहीं आती होगी तो मैं कुछ ना कुछ करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, आपको मैं बंदा ढूंढूंगा. अगर कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं मैं कर पा रहा हूँ, मेरी नहीं है कैपेबिलिटी, तो मैं आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर आई एम नॉट अ सीईओ. तो मेरे लाइफ का डायरेक्शन चेंज हुआ मतलब इस बात से. अब आई एम नॉट श्योर कि वो कौन था, मुझे शक्ल भी नहीं याद, कहीं मैंने ऐसी ही सुनी थी क्लिप. लेकिन बात बहुत ज़बरदस्त बात की. और सलील से जब मैं कम्युनिकेट करता हूँ ना अक्सर मेरी बात रहती है, तो बात करने का ये बेनिफिट होता है कि कहीं ना कहीं मुझे क्रिएटिव चीज़ें सुनने को मिलती हैं. तो जैसे बोला जाता है कि आपकी जो 70% एजुकेशन है वो आपके दोस्त करते हैं. तो आपके अगर दोस्त ऐसे हैं ना आपके क्रिएटिव लोगों के बीच में अगर आप बैठते हैं तो क्रिएटिविटी फिर आप सीखते हैं. क्रिएटिविटी भी एक सीखने की चीज़ है. वैसे तो गॉड गिफ्टेड होता है, नेचुरल होता है, लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा फैक्टर एक सीखने का भी है. तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे लोगों में बैठूँ जो थोड़े क्रिएटिव हों. अच्छा, ये दोस्त पूछ रहे हैं कि सलील आर यू फ्रॉम पाकिस्तान. सलील जो है वो कनाडा में बेस्ड है और वहीं इन्होंने पढ़ाई वगैरह भी की है, काफ़ी अर्से से वहीं रहते हैं. और सलील का जो ताल्लुक है वो इंडिया से, मुंबई से है जी, ओरिजिनली मुंबई से है, पीछे बेस्ड है, लेकिन ये पढ़ाई वगैरह करने के लिए बचपन में ही चले गए थे कनाडा. तो अभी वहीं पर पढ़ाई वगैरह की इन्होंने और वहीं पर अभी जॉब कर रहे हैं. क्या आप प्रोडक्ट मैनेजर हैं? राइट, दैट्स करेक्ट. प्रोडक्ट मैनेजर हैं और वहाँ पे काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें कर रहे हैं. मतलब मुझे देख के इनको कभी जेलसी होती है, मतलब 3D प्रिंटर्स से खेलने का मौका मिलता है इनको, इनकी ऐसी वाली जॉब है. मतलब के रोज मुझे अक्सर ये दिखाते भी हैं कि यार आज मैंने ये किया, वो वुड पे लेजर से वो प्रिंट वगैरह, और काफ़ी इनकी
मतलब इंटरेस्टिंग थिंग्स करने को मिल. सलील इज वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन ऑन प्लेनेट अर्थ के मतलब ये चीजें करने को उनको मिलता है. तो मुझे थोड़ा कभी जेलसी रहती है कि मुझे भी यहाँ पे कोई ऐसा टीम, कोई ऐसी जगह मिले, हैकर हाउस मिले कोई जहाँ पे ये चीजें करने को मिले. ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. मुझे चाहिए बन कबाब और बिरयानियां, वो मुझे नहीं मिलती. सो हर एक को लाइक अगेन I truly agree ki you know everybody's things ki unki situation like you know itni achhi nahi hai, but I think that also pushes them to get to a better place in terms of like you know how I was trying to talk about the future. So abhi filhal like Google dialogue flow se aap you know chatbot bana sakte hain ki jo like WhatsApp pe hai, social media pe hai, ya fir aap like you know voice apps bana sakte ho jo like either like you know mobile pe available hai ya fir aapke like you know Google assistant ke devices pe wagera available hai. अब लाइक रिसेंटली यू नो लाइक हमने कोर्स में जब मैं था तब लाइक एक्शन बिल्डर करके एक चीज है जिसमें एक्शन ऑन गूगल बनता है. तो मैंने मलिक भाई को परेशान कर करके उनसे वो लाइक सीखा था कि भाई ये नहीं हमने कवर किया, ये मुझे सीखना है. सही है. और मलिक भाई कह रहे थे देखो भाई ये ना गूगल का मुझे भरोसा नहीं है, ये गायब कर देंगे कभी. तो मैंने कहा नहीं नहीं यार, ये तो इसपे लाइक खर्चे कर रहे हैं, नया लाइक यू नो पूरा इसमें टीम बनाया है, उन्होंने टीम हायर किया है, लाइक सब कुछ कर रहे हैं, तो ये तो सीखना लाजमी है. और मैंने सीख लिया और अब उन्होंने लाइक यू नो पिछले महीने बता दिया कि भाई अगले साल हम ये सनसेट कर रहे हैं. तो लाइक ये दिस इज अ वेरी फास्ट इवॉल्विंग फील्ड एज वेल. बट टू टॉक अबाउट वेयर इट इज गोइंग इन द फ्यूचर, अब गूगल हैज फिगर्ड आउट कि ये यू नो लाइक ट्राइंग टू टेक इट इन दिस ओनली चैटबॉट या फिर ओनली लाइक वॉइस ओनली, ये दिस इज नॉट द स्मार्टेस्ट वे क्योंकि नॉट एवरीबडी हैज अ स्मार्ट स्पीकर. सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज दे आर ट्राइंग टू एड्रेस एंड लाइक यू नो हिट द एंड्रॉयड मार्केट. एंड्रॉयड इज 1.4 बिलियन, 1.5 बिलियन. सो उन्होंने सोचा कि भाई इतने मेरे पास पहले से यूजर है, इनके पास लाइक गूगल असिस्टेंट वैसे भी है, तो अब इनको मैं लाइक पहले अच्छा एक्सपीरियंस असिस्टेंट का दूंगा. तो उसके लिए उन्होंने अब ऐप एक्शंस करके एक लाइक यू नो नया ये किया है. सो दैट विल बी कनेक्टिंग एंड्रॉयड एंड एंड्रॉयड एप्स टू द गूगल असिस्टेंट सो दैट यू कैन कंट्रोल योर एंड्रॉयड एप्स यूजिंग योर वॉइस. सो ये दिस इज द नेक्स्ट लेयर अगेन. लाइक जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि यू नो कंप्यूटर लाइक कीबोर्ड एंड माउस इज द बॉटल नेक, वॉट वी आर ट्राइंग टू डू इज like you know reduce the bottleneck by using voice, because voice is the fastest medium of communication. Hum sabse zyada like you know bandwidth ki matlab information bandwidth jo hoti hai to wo maximum bandwidth ke hum ye dete hai. Kabhi kabhi like you know main text karte karte like koi text karta hai main bolta hai ruko yaar main call kar raha hu, kyunki itna zyada agar hame baat karni hai to it is just more convenient that I like you know call you and just like speak. So voice is a higher bandwidth mode of communication than keyboard and mouse. So that is the reason why they are trying to like, you know, all new technologies will go towards voice. So again, sorry, I like, you know, I'll let you know. Itni obvious baat hai, Salil, by the way. Matlab, aise realization ki baat hai. Hame normally aise realize nahi hota. Lekin kitni obvious baat hai ki main jitni tezi se hum bolte ja rahe hain, मैं और सलील हम बहुत बातूनी है हम बोलते तो चुप नहीं होते हैं, तो हम इतनी तेजी से बोलते जा रहे हैं और सब जो ऑडियंस है वो उसको सुन रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं. क्या ये पॉसिबल हो सकता था कि सलील इतनी तेजी से लिख पाते या मैं लिख पाता? नो, इम्पॉसिबल. और अगर जस्ट इन केस जैसे सब टाइटल्स होते हैं तो अगर मिसाल के तौर पर लिखा हुआ किसी तरह मिल भी जाए तो जो सुनकर अंडरस्टैंड कर रहे हैं जो ऑडियंस, उनके लिए इट वाज नॉट पॉसिबल कि वो पढ़ लेते इतनी तेजी से. दैट इज नॉट पॉसिबल. और आप ये मैं अक्सर अपने प्रेजेंटेशन में करके दिखाता हूँ. तो यही वजह है कि जैसे सलील ने जिक्र किया कि फास्टेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है. अब जैसे मैंने ये मेरे पास फोन है, अब मैंने यहाँ पे निकाला सेट अलार्म आफ्टर 13 मिनट फ्रॉम नाउ, ये इसने सेट कर दिया. मैंने म्यूट किया हुआ इसलिए आवाज नहीं आई, लेकिन इसने सेट कर दिया अलार्म. आप जितने भी ऑडियंस इस पर बैठे हैं आप ट्राई करें, होम का बटन दबाएं और बोले उसको आप. तो 13 मिनट मैंने बोला एग्जैक्टली और इसने 13 मिनट कैलकुलेट भी खुद कर लिया. समटाइम्स सलील क्या होता है, मैं रात को बैठा हुआ हूँ, अब मैं कोडिंग लिख रहा हूँ, अब मुझे शदीद नींद आ रही है, अब मुझे 6 घंटे की नींद भी लेनी है क्योंकि मुझे पता है मेरा दिमाग हो गया बंद.
अच्छा अब मुझे ना अलार्म अगर मैं सेट करूँ ना मोबाइल ऐप से, तो मुझे एएम पीएम ना समझ ही नहीं आता। ये 2-3 दफा हुआ है मेरे साथ कि मैंने ना एएम की जगह ना मैंने पीएम किया और शाम को बजाया जाके, और लिटरली मैं वो 12 घंटे कंटिन्यूस में सोता रहा। ठीक है, वो बेचारे का मैसेज आता रहा, क्योंकि मैं साइलेंट करके सोया था, तो वो बेचारे का मैसेज आता रहा बंदे का कि यार किधर हो, तो पता चला मैं शाम को उठ रहा हूँ। तो एएम पीएम मैंने गड़बड़ कर दिया। और मोबाइल ऐप अगर आप खोलेंगे, क्लॉक की जो ऐप होती है, इट इज नॉट पॉसिबल कि मैंने जो 2 सेकंड मुझे लगे बोलने में और उसमें सेट कर दिया। अब मैं बोलता हूँ कि आफ्टर 6 आवर तो मुझे कैलकुलेट करना है कि अच्छा अभी 6:19 हो रहे हैं, तो 6 घंटे बाद क्या क्या टाइम हो रहा होगा, मुझे कैलकुलेट। और मेरा दिमाग पहले से ही बंद है, जो काम नहीं कर रहा है, मैं फुल टायर्ड हो चुका हूँ, मैं रात के 3 बज रहे हैं। तो आप देखिए कितना फास्ट है ये, कितनी ऑब्वियस बात है कि वॉइस इज द फ्यूचर। And this was like आपने किया एक one step था, right? Like let's just break it one step. And like if we are like you know trying to do it via an app, तो पहले like home screen, फिर like app खोलो, फिर app खुलने के बाद okay like set like you know new alarm, फिर new alarm के बाद like okay set the time, या फिर like plus hours from now whatever that is, right? And then you are like okay. You actually have to think के यार Exactly. But if you are like you, when you use voice, it's like you know you're talking to another human. या फिर एक अपने like digital self के साथ आप बात कर रहे हो कि भाई like मुझे ये करना है, you know, जो सोच थी वो legit आपने सोच बताई कि भाई मुझे 6 घंटे बाद उठना है, ये आपकी सोच थी, भाई मुझे 6 घंटे बाद like अलार्म दे दो। बात मतलब वही the beauty of like being able to communicate with your digital self via voice is the like you know speed of it ki bhai mera jo meri jo soch hai sirf mujhe wo repeat karni hai and that is how it will understand what it is I want to do. Obviously within the constraints of technology alarm is like possible right now. Agar main usko kahunga ki bhai mujhe like Starlink se like you know baat karni hai wagera, wo it like again it's not 100% there, but hum iske extreme beginnings mein hai. So think about it that you know we are at the very early stages of that technology, but this is one of the technologies which is going to be the most disruptive before any other form of technology. Matlab metaverse aayega, blockchain aayega, shayad you know like completely change kar de hamari format of like using their technologies, but the first and foremost technology to disrupt everything else is voice, and it is already here. मतलब वो 10 साल पहले आ चुकी है और वो काफी अभी मैच्योर हो चुकी है पिछले 10 सालों में, और वो और मैच्योर होगी क्योंकि और ज्यादा चीजें लाइक यू नो वॉइस से आ रही है। तो जैसे मैं पहले बता रहा था कि गूगल ने अब एंड्रॉयड पे फोकस दिया है, सेकेंड इज स्मार्ट होम, थर्ड इज वेब। सो वॉट दे वॉन्ट इज दैट यू विल कनेक्ट with a website. So मैं अगर Google Assistant को कहूंगा कि भाई फला फला वेबसाइट से मुझे like let's say मेरी एक meditation की website है, ठीक है, कि भाई फला वेबसाइट से कनेक्ट करो और मेरा meditation का session शुरू करो। So वो उसको अब पता चलेगा कि अच्छा ये website पे जाना है, इसके लिए जिस भी device से मैंने like interaction शुरू की है उस device पे वो खोलेगा like वो website, और वो मेरा अगर session हुआ तो login करके again all of this automatically and then here's your first session, right? So ye sari technologies is what again Google and Amazon, these people are trying to do is make the internet accessible via voice. So that's the next, you know, like again talking about the future where acha ye jaag gaya, isko pata nahi laga ki iski koi baat hai. Sorry mera bhi mic main off karke rakhta hu. But yeah. अच्छा तो क्या आपने कि अभी टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन के साथ अलार्म लगाना तो पॉसिबल है अभी बहुत, लेकिन आगे आ रहा है। अच्छा मैं ना छोटी छोटी चीजें सीख गया हूँ, जैसे मैं उसको बोलता हूँ भाई टेक मी टू माय वर्क, जैसे मैं निकलता हूँ ना तो मैं हेडफोन लगा लेता हूँ क्योंकि रस्ते बहुत सारे हैं, कभी जैम होता है तो गूगल के पास डेटा, मुझे गूगल बताता है कि कौन सा रास्ता, गूगल मैप, मैं बोलता हूँ टेक मी टू वर्क, तो मुझे ऐसे ज्यादा टच वच नहीं करना पड़ता, वो डायरेक्ट मैप खोल के डायरेक्शन चालू कर देता है। फिर ऐसे टेक अ सेल्फी और इस तरह छोटी छोटी चीजें ना मैं बहुत सारी सीख गया, बल्कि मैं तो ये सोच रहा था किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब पे ना कि क्या क्या डेली लाइफ की चीजें जो मैं यूज करता हूँ और जो सब लोग कर सकते हैं यूज। आई थिंक यू शुड, और अगर आपने ये इस्तेमाल नहीं किया तो ये भी उसको बोलना कि दिस इज वेयर आई एम पार्क, कि वो याद रखता है आपने पार्किंग कहाँ पे की है, उसको बाद में आप जब भी कहीं पे लाइक लेट्स से ले आ वेयर एम आई पार्क, वो आपको लेके जाएगा कि भाई आप यहाँ पे पार्क थे आप यहाँ पे जाओगे।
सो इट्स वेरी लाइक यू नो उन्होंने बहुत एडवांस किया है एंड लाइक एवरी वीक नई नई चीजें आती रहती है इसमें बिकॉज दीज टेक्नोलॉजीज आर यू नो इवॉल्विंग एट अ वेरी फास्ट पेस. अभी मतलब एनवीडिया इन्होंने ये मार्केट भी नहीं किया हुआ ना, मतलब ये बनाते जा रहे हैं सर, ये पीछे पका रहे हैं अभी, जब ये अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा ये फिर मार्केट करेंगे. तो काइंड ऑफ ये दीस थिंग्स आर काइंड ऑफ अ हिडन फीचर इन वॉइस इंटरफेसेस 100%. सो ये डिवाइस जो है जिसको एक गूगल असिस्टेंट कहते हैं, ये यू नो स्मार्ट स्पीकर है, ये वो लोग $50 के लिए बेच रहे थे, इसकी एक्चुअल कॉस्ट उनके लिए $120 है. वो लोग $70 का लाइक नुकसान लेके लोगों को दे रहे हैं. क्यों दे रहे हैं भाई? वो लोग इसेंशियली क्या कर रहे हैं कि भाई तुम लोग अर्ली अडॉप्टर्स हो, तुम लोग मान हमें पता है तुम लोगों को लाइक यू नो परफेक्ट ये देने की जरूरत नहीं है, तुम लोग हमारा यू नो लाइक यू बिकम द लाइक यूजर बेस फ्रॉम विच वी ट्रेन आवर मॉडल्स एंड वी टेस्ट आवर आइडियाज. वो जो छोटा लाइक यू नो टेस्टिंग किचन होता है कि भाई लाइक बना लाइक यू नो रेस्टोरेंट में या फिर लाइक लेट्स से मैकडॉनल्ड्स को कोई नया लाइक मेन्यू चूज करना है, वो क्या करते हैं कि उनकी एक छोटी किचन होती है, वहां पे टेस्ट करते हैं और 50 लोगों को बिठाते हैं, बोलते हैं ये खाओ बताओ कि कैसा लगा, खाना पसंद आया नहीं पसंद आया. तो वो ये कर रहे हैं अभी ये लाइक अमेज़न और गूगल, मतलब रादर उन्होंने ये किया हुआ है पिछले 8-10 साल से कि ये लोग सस्ते में ये डिवाइसेस दे रहे हैं कि इस्तेमाल करो, हमें डेटा दो, हमें लाइक यू नो हमारी चीज पकाने दो, हमें हमारी चीज बेहतर करने दो, एंड देन वंस वी आर लाइक यू नो वी हैव लाइक टाइटन्ड इट टू द बेस्ट, हम उसको लॉन्च करेंगे. और इसके लिए आई थिंक नाउ दे आर इन अ प्लेस कि वो लोग एंड्रॉइड की तरफ उसको लेके जा रहे हैं कि भाई 1.4 बिलियन यूजर्स को अब लाइक यू नो एक्सेसिबल करवा रहे हैं असिस्टेंट को ऑन अ बिगर स्केल. सो दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द यूजर अडॉप्शन ऑफ गूगल असिस्टेंट बाय लाइक मल्टीट्यूड्स. आज कितने होंगे, कुछ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस होंगे, वो बिलियंस में चले जाएंगे, तो लाइक यू नो दैट्स अ नेक्स्ट लेवल गेम अप. सो ये लाइक यू नो इसके लिए भी पॉसिबल नहीं है, अलेक्सा के लिए भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अलेक्सा के पास डिवाइसेस नहीं है उतने शायद. सो मेटावर्स की बात हो रही थी अभी, आपने मेटावर्स का जिक्र किया कि ये मेटावर्स में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा. तो ये एक बहुत से डिस्कशन हो रही थी कि भाई मेटावर्स क्या होगा, वेब 3.0 क्या होगा. तो अभी वो आपकी बात से मुझे याद आ गई बात, तो मैंने उस मेरे एक थॉट है मेरा, मैं आपसे शेयर करूंगा फिर आप बताइएगा अपना थॉट भी. कि उन्होंने कहा यार वेब 3.0 क्या होने वाला है, तो कुछ लोगों का ख्याल है कि ब्लॉकचेन होगा, ब्लॉकचेन जो है वेब 3.0 होने वाला है, कि मतलब जो वेबसाइट्स होंगी जो हम जाएंगे तो पहले सिर्फ क्रिएटर को पैसे मिलते थे लेकिन अब उसके विजिटर्स को भी पैसे मिलेंगे, कुछ ऐसा बेनिफिशियरी यानी जो यूजर जो है वेबसाइट का कंज्यूमर उसको भी काइंड ऑफ ये स्टेक होल्डर बनाना चाहते हैं वेब 3.0 में. तो ब्लॉकचेन के पर्सपेक्टिव से हो सकता है वेब 3.0. वेल अभी तो जब हो जाएगा तो पता चलेगा, अभी तो जब रेवोल्यूशन आके गुजर जाता है तो फिर पता चलता है कि रेवोल्यूशन था किस चीज का. तो अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल है कि भाई ये जो मेटावर्स है वो होगा वेब 3.0, कि भाई अभी आप स्क्रीन के आगे बैठे हुए होते हैं और आप ऐसे कंज्यूम करते हैं वेबसाइट, मतलब एक ग्लोइंग रेक्टेंगल, किसी ने वर्ड यूज किया था कि यार कितनी अजीब वाहियात बात है कि आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और आप एक ग्लोइंग रेक्टेंगल के आगे बैठ के जो है ना, और आप एक वो माउस को हिला रहे हैं, ठीक है, और हम तो इससे यूज टू हो गए, लेकिन कितनी वाहियात बात है कि माउस, हमारे माउस का नाम पता नहीं क्यों माउस रखा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बच्चा है हमारा, तो छोटा सा बच्चा है कोई हमारे कजन्स में, उसको वो आया एक दिन, बहुत पहले की बात है, तो वो माउस रखा हुआ था ना मेरे पास, तो माउस के अभी तो खैर माउस खत्म हो गया, अब टच पैड था. तो उसने पूछा कि ये क्या है, बच्चे होते हैं सवाल करते हैं, उसने कहा ये क्या है, तो मैंने कहा ये माउस है, तो कह रहे हैं कि इससे क्या होता है, तो ये तो काट लेगा, उसको तो माउस पता था कि वो काट भी लेते हैं माउस, उसने कहा ये काटेगा, मैंने कहा नहीं काटेगा तो नहीं है, तो क्या क्या होगा इससे, मैंने कहा इसको ऐसे चलाते हैं ना तो वहां पे होता है ये इसको जाके क्लिक करते हैं. तो उसने ना एक बड़ी बेहतरीन बात बोली और मैं शॉक्ड हो गया, बच्चे समटाइम अनजाने में ऐसी बात कर जाते हैं. उसने मुझसे कहा कि अच्छा तो आप पहले माउस को बताते हैं और माउस उसको बताता है. कितनी वाहियात बात है, मतलब पहले, और सही बात है, हम पहले माउस से बात करते हैं, तो मतलब ही वाज लाइक के व्हाई यू आर टॉकिंग टू अ माउस, टॉक डायरेक्टली टू योर कंप्यूटर, ग्लोइंग रेक्टेंगल के आगे बैठ के माउस हिला रहा है, मतलब कितनी वाहियात बात है. तो मतलब ऐसा मेटावर्स का जिक्र हो रहा है कि मेटावर्स भी वेब 3.0 हो सकता है, कि भाई हम अभी ग्लोइंग रेक्टेंगल के आगे बैठते हैं और माउस, तो हम इसके अंदर होंगे,
जैसे उस वक्त मेरे अचानक मेरे जहन में थॉट आया कि जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब खुला हुआ था हमारे सामने, तो मैंने सोचा यार यूट्यूब कैसा होगा, मेटावर्स की दुनिया में यूट्यूब कैसा होगा। तो मुझे ऐसा लगा, सोचा मैंने जब कि यार जैसे हम अभी बैठे हुए यूट्यूब के आगे और यूट्यूब पे वीडियो चल रही है, नीचे कॉमेंट्स आ रहे हैं, लाइव सेशन चल रहा है, कॉमेंट्स कर रहे हैं लोग, तो शायद कोई ऐसा हो कि मैं हेडसेट लगाऊं और एक मैं वर्चुअल दुनिया में आ जाऊं जिसमें एक सिनेमा हॉल की तरह का कोई माहौल हो और सामने स्क्रीन पे वो वीडियो चल रही हो, या आइडियली एक स्टेज लगा हो कि जो एक्चुअल मूवी है वो स्टेज पे हो रही हो मेरे सामने 3D में, और मैं स्टेज के चारों साइड जाके उसको मैं हर एंगल से उसको देख देख सकूं, और जो ऑडियंस है, जो व्यूअर्स हैं, वो मेरे साथ लोग भीड़ लगी हुई हो, एक जमा हो, जैसे जैसे एक फाइट सीन चल रहा है, एक फाइटिंग सीन, तो बीच में पिट हो, फाइटिंग पिट, वहां पे लोग लिटरली लड़ रहे हो और साथ में लोग खड़े हो उसको देखने वाले, और कुछ जेस्टर्स चल रहे होंगे या आई लाइक दैट, जो लाइक वाला है, और शायद वो कुछ बोल रहे हो चीज चीज के, जो उनके सर पे बलून शायद दिख रहा हो, या वो आवाज आ रही हो मुझे कि मैं जिस लोग बंदे के करीब खड़ा हूँ उस वो जो कमेंट कर रहा है वो मैं सुन पाऊँ डायरेक्टली, तो मतलब आई विल बी पार्ट ऑफ दैट सीन काइंड ऑफ, ऐसा मैंने सोचा कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा ही हो रहा है अभी देखने में जो आ रहा है। तो मे बी कि ये वेब 3.0 मेटावर्स हो, नो डाउट। अच्छा, कुछ बंदे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि यार वॉइस कंप्यूटिंग जो है वो मेटावर्स होगा, कुछ लोगों का ख्याल है कि यार मतलब हर चीज, क्योंकि आप हर चीज से बात करेंगे, हर चीज से बोलेंगे, तो ये स्क्रीन स्क्रीन की तो फिर जरूरत वैसे भी नहीं रहेगी, तो वॉइस पे सिर्फ होगा कि भाई बोल के सारी कंप्यूटिंग हो रही होगी। मतलब मुझे अल्टीमेटली, मुझे एक्सेल शीट के आगे बैठना तो मेरा वो नहीं है ना, मेन गोल जो है, गोल तो मेरा ये है कि एक्सेल शीट में जो काम करना है मैंने, कि दो लोगों को ऑर्गेनाइज करना है या कुछ करना है, या मिसाल के तौर पे मैंने अगर कोई मैसेज है किसी बंदे तक कन्वे करना है, तो मुझे एक्चुअली व्हाट्सएप को खोल के मुझे बैठने का शौक तो नहीं है ना कि मैंने व्हाट्सएप, एक्चुअल चीज तो कम्युनिकेशन है, तो अगर वो कम्युनिकेशन और वो सारी चीजें अगर वॉइस पे हो रही है तो फिर तो एक वॉच काफी है मेरे लिए, घड़ी या कुछ, अच्छा मेरे पास पावर फेलियर हो गया तो वेल तो, या मिसाल के तौर पे मैंने एयरपॉड लगाया हुआ है, जैसे अभी रिसेंटली मैंने एयरपॉड इसका लिया तो बड़ा अच्छा है यार, उसमें से दबाओ सीरी से बात करो सब होता है, अच्छा ये वो अलार्म बज गया जो मैंने लगाया था 13 मिनट का मतलब इसका है कि हमें बोलते बोलते 13 मिनट हो गए। अच्छा, अब ये लगा लिया मैंने कान में उसको, अब मैं इससे सीरीज में हर बात पूछता रहता हूँ, वो बताती रहती है, कहीं वो मैप लगाना है मुझे ऑफिस जाने के लिए, या कुछ मुझे टाइम पूछना है, जैसे चलते चलते मैंने टाइम पूछना है, कोई भी चीज है वो छोटी मोटी वो सब बता रहा है मुझे। अच्छा, तो आई फील लाइक जब ये मेरे कान में ये लगा हुआ है तो इट मेक्स मी सुपर ह्यूमन एज कम्पेयर टू अदर पीपल हु डू नॉट हैव दिस टेक्नोलॉजी, कि यार मतलब मेरे कान में एक पूरी दुनिया का ये कनेक्शन है जो मैं सुन रहा हूँ, पूरी दुनिया की जो क्या कहते हैं जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी डेटा है पूरी दुनिया का, कि यार आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो एसेंशियली, इंटरनेट से कनेक्टेड, आई एम कनेक्टेड विद द इंटरनेट, अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, आई एम अ सुपर ह्यूमन, You're connected with that digital self. आप अपने उस digital self के साथ connected हो, कि भाई आप अपने digital self को बताओ मुझे, मैं आप बताओ मैं काम पे जा रहा हूँ, right? अच्छा, तो अब ये मुझे बाकी लोगों को नहीं बता रहा, बाकी लोगों को नहीं पता चल रहा, बट मुझे ये कान में बता रहा है कि on 300 meter at the roundabout take third exit to stay on Falakala road. Right. तो I feel like superhuman as compared to other people. It stands me out. और मेरे पास जो डेटा मेरे कान में आ रहा है इट्स वेरी प्रीशियस। तो कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है कि यार शायद वॉइस कंप्यूटिंग जो होगी वो होने वाला है वेब 3.0, और वो होगा वेब 3.0 का रेवोल्यूशन। अच्छा, तो लेकिन मैं इससे डिसएग्री करूंगा, मुझे क्या लगता है, अभी सलील से भी हम थॉट लेंगे कि उनको क्या लगता है, मुझे लगता है कि ये ना तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होगा, कि एक तो होगा मेटावर्स, और जैसे वो फाइटिंग पिट का मैंने जिक्र किया कि मैं चारों साइड से उसको देख रहा हूँ घूम के फाइटिंग पिट को, और क्या कहते हैं साथ में ब्लॉकचेन भी होगा उसके, कि मतलब स्टेक होल्डर होगा, विजिटर भी जो होगा स्टेक होल्डर, जाहिर है ट्रांजेक्शन वगैरह ये सारी चीजें ब्लॉकचेन में ज्यादा सिक्योर है निस्बतन ट्रेडिशनल वेब के, तो ब्लॉकचेन भी कहीं ना कहीं रहेगा, इसको आप माइनस को नहीं कर सकते, मतलब कोई भी वेब हो ये अब इंटरनेट में जो ये इजाफा हो चुका है ब्लॉकचेन का, ये माइनस नहीं हो सकता है इसमें से, ये रहेगा। तो ब्लॉकचेन भी रहेगा, मेटावर्स भी रहेगा, और मेटावर्स की दुनिया में अगर सलील थोड़ा सा गौर करें तो अगर मैं मेटावर्स के अंदर आ गया हूँ और पूरी मतलब मेरे चारों साइड जो डिजिटल वर्ल्ड में हूँ मैं, और इस डिजिटल वर्ल्ड में भी आके अगर मुझे बटन प्रेस करना पड़ रहा है, कितनी बेवकूफी की बात है नहीं लेकिन तो, ये अभी
सॉरी प्लीज फिनिश योर थॉट, फिनिश योर थॉट. मुझे ऐसा लगता है कि जो मेटावर्स होगा ना, उसका जो मेन कम्युनिकेशन मीडियम होगा, मिसाल के तौर पे आपके सामने जो फाइट चल रही थी, आपने कहा यार दूसरी मूवी लगाओ या कुछ, आपने वीडियो चेंज करनी है, तो आप क्या, आपके पास कोई स्लाइडर होगा वहां पे जिसको आप स्लाइड करेंगे, या कोई सर्च बॉक्स होगा जहां पे आप जाके टाइप कर रहे होंगे? नो, दिस इज नॉनसेंस यार. कि आप डिजिटल वर्ल्ड में है तो आप उस डिजिटल वर्ल्ड में आप बात करेंगे, आप बोलेंगे, और आप बोल के उसको जाहिर है वॉइस कमांड देंगे. यही मेक सेंस है. अगर इसके बगैर तो फेल हो जाएगा पूरा मेटावर्स. कि वहां जाके भी अगर आपको, आप अगर स्टोर में गए नाइकी के, अभी वो डिसेंट्रलैंड में कोई बता रहा था कि उन्होंने स्टोर खोला है अपना, मैंने देखा नहीं है, बट उसमें जाके भी अगर आपको चेकआउट का बटन दबाना पड़ रहा है, तो फिर तो मेरा ख्याल है बेकार है फिर तो. वो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आके भी आप अगर आपको ये करना, तो वो तो जो क्लिक और बटन था वो तो फिजिकल वर्ल्ड के लिए था ना, कि टीवी का बटन लिटरली आप ऑन करते थे पहले दबा के, तो अब वो बोल के ऑन करते हैं रियल वर्ल्ड में, तो वहां पे भी हम बोल के कर रहे होंगे ये. तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि ये तीनों चीजें ना मिला के, मेटावर्स, वॉइस इसका मेन कम्युनिकेशन मीडियम, और सिक्योरिटी के लिए ब्लॉकचेन, ये तीनों मिला के मेटावर्स कहीं ना कहीं होने वाला है. इंटरेस्टिंग, राइट. आई थिंक यू नो दैट्स अ ब्रिलियंट थीसिस. सो जैसे आप बता रहे हो, ये अभी हम फिलहाल वेब टू में है. वेब टू क्या है? वेब टू है जो हमारे लाइक यू नो कंप्यूटर्स, हम जो इन ग्लोइंग रेक्टेंगल्स को देख के कम्युनिकेट करते हैं, ये वेब टू है. वेब थ्री क्या है? ये सबका अभी लाइक यू नो अगेन थीसिस है कि भाई वेब थ्री मेटावर्स होगा, वेब थ्री ब्लॉकचेन होगा, वेब थ्री फला होगा. मेरी नजर में वेब थ्री इज लाइक मलिक भाई सेड, इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ द थिंग्स, क्योंकि All of these are like, you know, ideas. ये सब like, you know, आगे जाके कैसे इंटरैक्ट होके humans उसको इस्तेमाल करेंगे, that is not completely clear yet. But if you look at VR, VR came, I think, way before voice. VR कभी आया था 2008-09 में आया था पहली बार, जब like, you know, Oculus ने उसको like kind of लेके आया था दुनिया के सामने. But it is still a nascent technology. मतलब अभी भी हम metaverse को VR के through access करना चाह रहे हैं, तो भी it's not the most perfect thing. अभी like you know क्या Mark Zuckerberg का सब लोग मजाक उड़ा रहे थे कि क्या उसने like क्या उसका avatar जो था उसका बहुत hilarious avatar था, एकदम like खराब दिख रहा था वो. But what they have kind of done is again, right now, there is Web 2.0, Web 3.0. Web 3.0 can be the metaverse. Metaverse mein aap like VR ke through access kar rahe hain, ya fir like, you know, AR ke through aage jaake access karenge. Again, AR is a problem which is even harder than VR to solve. VR ek bahut mushkil problem hai, AR usse bhi zyada mushkil problem hai. Is pe Snapchat aur Apple wo AR products pe kaam kar rahe hain. So, again, wo metaverse kaun se फॉर्म में हम उसको में लाइक यू नो रहेंगे, मतलब उस डिजिटल वर्ल्ड में, कि वो वर्चुअल कंप्लीटली वर्चुअल है हमारे आंखों के सामने, एक लाइक यू नो 3D वर्ल्ड है, या फिर हम एक्चुअल लाइक वर्ल्ड में है और मुझे लाइक यू नो मैंने ग्लासेस पहने हुए हैं एंड आई कैन सी लाइक ओके लाइक इन दैट ग्लासेस आई कैन सी द चैट ऑन माय राइट एंड लाइक यू नो यू गाइस कैन सी मी एज अ होल लाइक इन लाइक समथिंग ऑन योर लाइक ग्लासेस राइट इट्स लाइक ओ लाइक दिस पर्सन इज कंप्लीटली विजिबल फॉर मी सो वेयर इट विल गो वी हैव नो आइडिया बट आई थिंक वेब 2.5 विल बी वॉइस. So voice is the layer which is being built right now on traditional web. So ye web 2.0 pe to aa chuki hai cheez hai. Like voice is going to be powering web 2.0 today and in the next 5 years. So beyond this time, we will already have voice included as a part of all of the future technologies, whether that is, you know, metaverse with blockchain, metaverse without blockchain, metaverse with VR, metaverse with AR, voice is a part of all of that. Because even right now, agar aap like the like you know Facebook ya fir Meta ka like metaverse mein aap enter hote ho, to usme aane ke baad aapka avatar aapko design karne ke liye aap usko baat karte ho unke ek assistant ke saath. Aap like you know even the virtual world that you want to shape, ki oh like you know I want to go to a conference room, like so it will make a conference room for you in that metaverse. So all of these things are voice driven even today. So like going forward, Web 3.0 will definitely have voice as a massive part of the interaction.
whether like, you know, they want it or not, like voice is already here. So I would consider voice even 2.5 than 3. And it's like, you know, it's the layer that will power the next kind of interactions on the internet and with our digital self. मैं ये ऐसे देख रहा हूँ इसको. बिल्कुल बिल्कुल एग्री करूंगा मैं इससे कि अच्छा ये मेरे बात ध्यान में नहीं आई थी कि यार वेब 2 और वेब 3 के दरमियान में 2.5 भी तो हो सकता है. तो ये बिल्कुल सही सलील ने कहा है. आई एग्री कि 2.5 ना हम वॉइस को 2.5 बोल सकते हैं कि हर चीज जो बात करेगी ना इंसान से ये 3 नहीं होगा ये 2.5 होगा. और 3 में जो है वो फिर ये तीनों पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे और मे बी इसमें एक दो कोई और भी पार्टिसिपेंट हो जो आए. I don't know. We have no idea. कोई आज बैठ के वो सोच रहा होगा या कल सोच के हमें बताएगा. अच्छा ये Facebook वाला जो मेटावर्स है ना ये अभी तक मैंने एक्सेस नहीं किया. ये इसका मुझे अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ है. तो सलील आपने एक्सेस किया ये वाला? मैंने एक्सेस तो नहीं किया लेकिन मैंने अगेन मैं मेरे खुद के लिए VR मैंने बहुत पहले इस्तेमाल किया था. और अगेन लाइक मोस्ट टेक्नोलॉजीज इफ यू ट्राई समथिंग इन इट्स वेरी अर्ली फॉर्म आपको लगता है यार ये तो अभी पका ही नहीं है तुम मुझे क्या ये खिलाने की कोशिश कर रहे हो. सो वो मैंने यू नो लाइक आई ट्राइड इट टू अर्ली और मैं अब तक लाइक आई एम नॉट एट द पॉइंट कि हाँ मैं VR को लाइक अडॉप्ट करना चाहूंगा अपने इसमें. मैं कंटिन्यूसली मेरे पीछे एक स्क्रीन है मेरे सामने 3 स्क्रीन्स है. सो लाइक यू नो लाइक कितने स्क्रीन्स को मैं देखूं कितने कितनी और एक आंखों के सामने लाइक अगर रखूंगा मतलब क्या जिंदगी का क्या है. सो यू नो लाइक यू वांट टू लाइक गो अवे फ्रॉम द स्क्रीन्स दैट्स व्हाई आई एम लाइक या VR इज प्रोबेबली मेरी थॉट में आई डोंट थिंक आई वुड लाइक टू अडॉप्ट VR एज द नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ द इंटरनेट बट वी डोंट नो पता नहीं है कहाँ पे लाइक यू नो एज अ मेजॉरिटी ह्यूमैनिटी कहाँ पे लेके जाएगी हमें. That is always up for question. क्योंकि आप याद करो जब सोशल मीडिया पहली बार आया था 20-25 साल पहले तब लाइक ना वो Zuckerberg को पता था ना हमें किसी को पता था कि लाइक इसके कितने प्रॉब्लम्स भी हैं. राइट टूडे वी लिव इन अ वर्ल्ड कि भाई हाँ सोशल मीडिया एडिक्शन है कि इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करके यू नो लाइक आपके सेल्फ वर्थ पे इफेक्ट होता है आप लाइक यू नो यू कैन बी अडिक्टेड टू सोशल मीडिया ऑल ऑफ दीज थॉट्स ये कभी किसी ने सोचे भी नहीं होंगे. सो एज ह्यूमैनिटी स्टार्ट्स इंटरैक्टिंग विद एनीथिंग सो लाइक यू नो हथौड़ा है टेक्नोलॉजी हथौड़ा है ठीक है इट्स अ टूल हाउ यू यूज इट इज लाइक आप घर बना सकते हो या आप मर्डर करने जा सकते हो अब आप पे है भाई आप क्या करना चाहते हो उस टेक्नोलॉजी के साथ. सो हाउ ह्यूमैनिटी विल एंड अप यूजिंग एनी टेक्नोलॉजी एज अ होल इज नॉट समथिंग दैट वी कैन प्रिडिक्ट विद लाइक अ लॉट ऑफ गारंटीज बट इट लाइक यू नो आप पैटर्न देखिए आप पुराने चीजों को देख के पता चलता है कि हाँ भाई ये ऐसी डायरेक्शन में जाएगा शायद. एंड अगेन एवरीबॉडीज पैटर्न रिकॉग्निशन इज स्लाइटली डिफरेंट बट दैट्स द वे आई सी द थिंग. अभी ये कोई पॉडकास्ट में ये बैठा हुआ था मार्क Zuckerberg ना मैं क्लिप देख रहा था उसने जो रोगन यही बात उसने बोली जो आप कह रहे हैं कि कह रहा था कि मैंने ये सोशल मीडिया फेसबुक इसलिए बनाया था कि लोगों को कनेक्ट करूं मैं आपस में और एक एंटरटेनमेंट का भी जरिया और कम्युनिकेशन भी रहे तो मैं तो इसलिए किया था कि लोगों को कनेक्ट करूं. अभी ये मुझे पता नहीं किन चक्रों में फंसा दिया मतलब लिटरली वो ऐसे रो रहा था कि यार मुझे किन चक्रों में फंसा दिया है. कोई कह रहा है कि ये मैंने इलेक्शन जितवा दिया तो कोई कह रहा है कि जो है ना ये फॉल्स तुम्हारी उसने सवाल ये किया था कि भाई ये फॉल्स न्यूज जो आपके फैल रही है कुछ ऐसे पहले तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप तो कह रहे हैं ये फॉल्स न्यूज के लिए क्या कर रहे हैं. तो मैंने तो ये फॉल्स न्यूज का सोचा भी नहीं था. मैंने तो कनेक्शन के लिए किया था कि लोग हैप्पीली एक दूसरे से कनेक्ट हो एंटरटेन करें एक दूसरे को शेयर करें चीजें आपस में अपने मूवमेंट्स शेयर करें. कह रहा है यार मैं तो तंग हूं उससे कि मुझे अब कह रहा है कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं अब इसके लिए अपने एक्स्ट्रा टीम बिठाई है जो फेसबुक की कंपनी के अलावा एक बोर्ड बनाया है वो डिसाइड करता है ये चीजें कि किसका क्या करना है. हमने अपनी कोर टीम को अलग कर लिया इससे कि भाई वो इन चीजों पे अपना हाँ वो कहते हैं हम क्रिएटिविटी करेंगे मेन कोर टीम जो है हमारी बाकी वो अलग बोर्ड है वो देखेगा कि किस चीज पे लिमिटेशन करनी है क्या सिक्योरिटी की वल्नरेबिलिटीज हैं. तो वेल फेसबुक की जैसे बात निकली अभी तो अभी जैसे अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपने कहा कि भाई एडिक्शन वगैरह भी हो जाती है और फिर जैसे टिकटॉक है बहुत सारे लोगों को थ्रेटेंड भी फील हो रहा है इन चीज़ों को लेकर टिकटॉक को और क्योंकि अल्टीमेटली दीज सोशल प्लेटफॉर्म्स आर द वे फॉर पीपल टू इंटरेक्ट इट इज़ काइंड ऑफ अ वे ऑफ मास कम्युनिकेशन. तो इस पर बहुत लोगों की लाइफ पे इफेक्ट होता है. जाहिर है व्हेन यू कम्युनिकेट विद मासेस एवरी वर्ड यू से
is can do what you cannot predict. You are very careful with your words, but ultimately what's gonna happen, how other people from a different race, from different age, from different country, different region, how they're gonna perceive that that word, your careful word, you don't know that. So this is why it is becoming a more and more concern. TikTok ko le lijiye, Insta ko le lijiye, Facebook itself is a very very क्या उसको बोलेंगे कि कंट्रोवर्शियल बनता जा रहा है सारी चीजों को लेकर. ये सही वर्ड रहेगा, कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है ये तमाम. तो अल्टीमेटली व्हाट आई थिंक के चैटबॉट्स भी इट वुड बी अ वे टू कम्युनिकेट विद मासेस. तो कैसा, क्या आपको सोच के लगता है, क्या आपके थॉट्स हैं इस बारे में, एज कंपेयर टू व्हाट वी सी टुडे विद टिकटॉक और इंस्टाग्राम और फेसबुक, क्या होगा इसका फ्यूचर चैटबॉट का अगर ये मासेस पे डिप्लॉय हो जाए तो? सो अभी ये मासेस पे डिप्लॉय हो रहा है अभी. लाइक मेरे यहाँ पे कुरियर, मैं अभी बता रहा था ना, मैं कुरियर लेने गया था, तो कुरियर को मैंने कॉल किया, उन्होंने लाइक मेरा डिलीवरी करने की कोशिश की, मैंने उनको बस किया, बंदा लाइक मुझे लेटर छोड़ के गया कि भाई यहाँ से जाके पिकअप करो. मैंने कहा यार मैंने बस किया था, लाके दे दे यार, तू क्या कर रहा है. एनीवेज अब मैं किसी को मैं कंप्लेन करने के लिए मैंने फोन उठा के लगाया, अब वो वॉइस असिस्टेंट है, देर इज नो ह्यूमन देर, देर इज अ वॉइस असिस्टेंट. अगर मुझे ह्यूमन चाहिए, मुझे आधा घंटा सिर्फ उसने रोक के रखा ह्यूमन को फाइंड करने के लिए. अब मुझे तो पता भी है कि लाइक क्या बोलना है कि उसको मैं ह्यूमन के पास, कि भाई मुझे ये लाइक यू नो मुझे तेरे साथ बात ही नहीं करनी, तो डायरेक्ट ह्यूमन के पास पास कर, तू रहने दे मुझे, परेशान मत कर. Even people are making videos on YouTube ना, कि अगर आप फला कस्टमर सर्विस में कॉल करते हैं तो हाउ डू यू गो डायरेक्टली टू द प्रेस 1 एंड 0 एंड देन 2 एंड 9 फिर 0. अबे मैंने कहा क्या हो रहा है भाई. बट इट्स ट्रू राइट, लाइक बिकॉज वी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारी जनरेशन को आदत रही है, हम क्या करते हैं ह्यूमन बीइंग्स ना, वी लाइक फॉल बैक टू डिफॉल्ट. कि हमारा डिफॉल्ट क्या है, हम आज तक सारे लोगों से बात करके ये कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. जो आज बच्चे हैं 2-3 साल के, वो 3-4 साल में जब लाइक यू नो किसी को किसी चीज को लाइक सपोर्ट को कॉल करेंगे, तो वो तो वर्चुअल असिस्टेंट्स के साथ ही बात करेंगे. उनके लिए तो लाइक कुछ अजीब नहीं होगा कि वर्चुअल असिस्टेंट्स के साथ बात कर रहे हैं वो लोग. हमारे लिए अजीब है क्योंकि हमने इंसानों के साथ बात की हुई है, उनके लिए तो नेचुरल होगा कि अरे यार ये क्या, तुम्हें इसमें क्या लाइक अजीब क्या लग रहा है, राइट. सो दैट्स द थिंग, लाइक द वे वी परसीव टेक्नोलॉजी इज फ्रॉम आर एक्सपीरियंस. हम जो जिंदगी जिए हैं, हमने जितने साल की जिंदगी जी है, जहां पे जी है, जो एक्सपीरियंस रहा है, उससे हमारा लाइक यू नो लाइक व्हाट our relationship with technology is defined by that experience. हमें आदत है बंदों से बात करने की, हमारे लिए मशीन से बात करना मतलब दीवार से सर मारने को लगता है. Exactly. यार ये क्या, मैं एक डंप मशीन से मैं सर अपना मार रहा हूँ. क्योंकि हम उसको लाइक बिकॉज वी हैव सीन डंप मशीन्स राइट, बिकॉज वी हैव एक्चुअली बीन द जनरेशन, हमने डंप मशीन्स देखे हैं. लेकिन जो लाइक अभी 2-3-5 साल के हैं, वो जब तक और 5 साल में लाइक यू नो चीजों को सपोर्ट वगैरह को देखेंगे, तब तक ये चीजें इतनी ज्यादा पकी हुई होंगी कि दे विल नॉट इवन फील कि अच्छा ये कुछ अजीब नहीं है यार, ये तो सब सही समझ में आ रहा है इसको मैं जो बोल रहा हूँ. उनको नहीं लगेगा कि वो सर पीट रहे हैं एक दीवार के साथ, हमें लग रहा है क्योंकि हमारा वो एक्सपीरियंस रहा है. प्रोबेबली दे वुड लव टू टॉक विद असिस्टेंट as compared to human, because you know agar you call to your customer service ke bhai mujhe phone ka koi package batao, koi plan batao, abhi mera ek specific requirement hai, main usko samjhata hu, to sometime usko nahi samajh aata. Ye mera recent experience, usko pata hi nahi hai, itne sare plans hai, itne sare package, us bechare ko pata hi nahi hai, wo dhoond raha hai. आखिर में मैंने ही ढूंढ के उसको बता दिया कि यार ये यहाँ पे है. फिर उसने वो कोई इंचार्ज को कहा यार मैं इंचार्ज को ट्रांसफर कर देता हूँ, पता नहीं क्या. तो मैंने कहा यार क्या है भाई तेरा. तो जब एआई होगा तो उसके पास तो लिटरली सारा डेटा उसको पता ही होगा, उसके लिए ये पॉसिबल नहीं रहेगा कि वो कोई प्लान भूल जाए. जाहिर है जबकि कस्टमर सर्विस हम रेडी करते हैं किसी भी कंपनी के लिए, तो उनका एक क्वेश्चन आयर होता है पूरा, वो बुक होती है 50 पेज की, वो उनको पूरे क्वेश्चन याद करवाते हैं. तो
मतलब जाहिर है ह्यूमनली इट इज वेरी डिफिकल्ट. मैं खुद भी कॉल सेंटर में स्कूल के टाइम पे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ वहां पर मैं कॉल सेंटर में बैठ चुका हूँ तो आई नो हाउ इट वर्क्स. इट इज वेरी मतलब मुझे लिटरली उन्होंने 26 फोन नंबर्स दे दिए पूरे कराची में उनके जितने सेंटर्स हैं. उन्होंने कहा इसको याद करो और मैं चेक करूंगा टेस्ट लूंगा तुम्हारा. उसने कहा यार फला टाउन का नाम ले रहा है कह रहा है इसका फोन नंबर बताओ इसका फोन नंबर. तो वो मुझे काफी दिन लगे थे याद करने में. उन्होंने एक लाइक स्प्रेडशीट या फिर कुछ दे रहे थे लाइक यू नो लाइक कंट्रोल एफ मैं इसको सर्च करूं बता दूं. लाइक इंसान के लिए आसान नहीं किया था उन्होंने. लेकिन आप सही कह रहे हो कि जैसे यू नो लाइक ह्यूमंस को सारी चीजें याद रखना मुश्किल हो जाता है. इवन इफ आई हैव लाइक अ डेटाबेस कि मैं इसमें सर्च कर रहा हूँ फिर भी मुझे टाइप करना पड़ेगा ना. आप जो बोल रहे पहले तो मुझे समझना पड़ेगा आप जो बोल रहे हो. आपने जो कही बात कि भाई मुझे नया प्लान चाहिए ये अगर मुझे बात ही नहीं पता चली मैं कह रहा हूँ इसको ये नया यूजर है मैं लाइक नए यूजर को क्या बता रहा हूँ. सो यू नो लाइक इफ आई टेक यू इन अ डिफरेंट जर्नी एंटायरली इट इज नॉट लाइक यूजफुल. So even if you have a human being, it can be like, you know, hit or a miss depending on like aapki dono ki like, you know, communication kitni strong hai ek dusre ke saath. But sometimes like, so main North America mein rehta hoon, toh usually main kisi bhi support ko call karta hoon, woh duniya mein kahin aur connect hota hai. तो मैं हर एक अलग अलग मैं फिलीपींस में कभी कभी अफ्रीका में कभी मिडल ईस्ट में बात कर रहा होता हूँ. तो लाइक हर इंसान अलग है कल्चर अलग है बोलने का तरीका अलग है. सो यू नो कभी कभी मैं जो बोलता हूँ उनको समझ ही नहीं आती और मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ कि यार मैं लाइक बता रहा हूँ आपको समझ में नहीं. कभी कभी वो आपको ट्रांसफर कर देते हैं वापस से वही अपना प्रॉब्लम बताओ. अब ये थोड़ी ना करना है मैंने. सो अगेन ऑल ऑफ दीज विल थिंग्स विल चेंज एंड राइट नाउ इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. सो कुरियर सर्विसेज आप पिज्जा डिलीवरी बोलो आप अभी लाइक यू नो एज वी मूव फॉरवर्ड जैसे मैं बता रहा था वेबसाइट्स भी आएंगी. सो मतलब एज अ स्मॉल बिजनेस इवन लाइक लेट्स से आपकी चाय की दुकान है मैं कहूंगा कि भाई लाइक यू नो अली चाय की दुकान से लाइक 5 चीजें ऑर्डर कर दो ali.com से. ठीक है सो इसेंशियली असिस्टेंट को समझ में आ गया ali.com पे जाओ अली के चाय मंगवाओ इस लोकेशन पे राइट. वो अगर कुछ नहीं पूछा कुछ हम उनको चाहिए होगा हमने नहीं बताया होगा तो वो पूछ लेंगे कि अच्छा भाई कौन से लोकेशन पे भेजनी है आपको या कौन से लोकेशन से मैं आपको भेजू. सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स एंड दे विल आस्क यू दोस क्वेश्चंस लाइक गेट दैट यू नो package that intent of the user and like here ye aapki like you know aapki chahat maine puri kar di. So all of these things will start happening as we move in the next few years aur ye hum itne jaldi dekhenge ki aap you know we will be in whiplash matlab wo banda like mudta hai aur like you know gale mein aise mooch aa jati hai usko whiplash kehte hain. Waise hum itne zor se aage badhenge ki hame whiplash hoga ki bhai ye kya ho raha hai hum log like ek rocket mein baithe hue hain aur like aaj achanak like ab sab cheeze like you know digitally voice assistants ke through ya fir like digital assistants ke through hame accessible hongi in the next few years not too far. आपने म्यूट किया हुआ है माइक म्यूट किया हुआ था. तो अभी कंपनीज को क्या करना पड़ता है कि उनको डिफरेंट कंट्रीज के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए डिफरेंट कॉल सेंटर्स बनाने पड़ते हैं. तो एआई इज गोना सॉल्व दैट प्रॉब्लम वेरी सून विद वॉइस कंप्यूटिंग एंड चैटबॉट्स. कि एक ही चैटबॉट होगा बंदा जो बोल रहा है गूगल स्पीच एपीआई कैन रिकॉग्नाइज व्हाट लैंग्वेज यू आर स्पीकिंग राइट नाउ. तो वो बंदा जो बोल रहा है उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उसको उसी की जुबान में उससे बात करे तो दैट इज गोना ब्लो द मार्केट. अच्छा जहां पे अब ये बात हो रही है कि चैटबॉट इज गोना सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स एट द सेम टाइम इट विल टेक अवे अ लॉट्स ऑफ जॉब्स. यस मैं वही बताने वाला था कि अब ये सारे जो लोग कॉल सेंटर पे काम कर रहे हैं वो क्या करेंगे वो. तो अभी जैसे रिसेंटली सेल्फ ड्राइविंग कार्स का जो रेवोल्यूशन आ रहा है इसमें बोला जा रहा है कि जो पूरी दुनिया की आबादी है उसका 5-10% जो है वो लोग ड्राइविंग से उनका रोजगार वाबस्ता है. तो जो ड्राइविंग करके अपना लिविंग के लिए वो ड्राइविंग करते हैं. जो ट्रकर्स हैं जो अभी बड़ा एक मशहूर वो आइस रोड ट्रकर्स जो होते हैं उस पर वो कितनी सारी मूवीज उन्होंने बनाई है कि मतलब दे आर हीरोज ऑफ देयर
फील्ड कि भाई हम ट्रकर्स हैं, हम ऐसे कैपेबल लोग हैं कि हम आइस रोड पे जाते हैं और वो मतलब बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं और वो पता नहीं कितने टन का वो लोड लेके जा रहे होते हैं. तो सेल्फ ड्राइविंग कार इज गोना टेक, और वो बहुत हाईली पेड होते हैं लिटरली. अभी मैं कुछ लोगों को जानता हूं hundreds of thousands of dollars per per year, like sometimes even like you know 10-20,000 dollar a month wo log banate hai easy jo. Aur even yahan pe jo bahut dangerous job hai, bahut dangerous job hai ek to, aur 24 hours wo truck chalte rehte hain, wo rukte nahi hain. To main kuch aise doston ko janta hu jinke kuch relatives hain aur kuch dost ke dost hain, wo truckers hain, wo truck chalate hain jo containers ek city se, kyunki Karachi jo wo sea port hai hamare paas, to yahan par ship ke zariye jo containers aate hain usko pure country mein supply karna, uske liye we have lots of trucks. To wo yahan se usko load karte hain aur unka target hota hai ki hame itne time duration mein usko pahunchana hai phala city tak, kyunki wo aisi itna heavy hoti hain wo cheeze jo ट्रेन से नहीं जा पाती समटाइम, या आपके जो जहाज से नहीं जा पाती, जहाज में इतना हैवी लोड नहीं लाया जा सकता, तो वो ट्रक के जरिए उसको लेके जाना पड़ता है. और वो ट्रक स्लो चलते हैं, वो ज्यादा तेज भी नहीं चल सकते लोड होने की वजह से. और वो क्या करते हैं, दो या तीन लोग होते हैं कैबिन में, वो बारी बारी उसको चेंज करते हैं और बारी बारी उसको चलाते हैं, और वो ट्रक रुकने नहीं देते, वो चलाते रहते हैं. और समटाइम दे स्लीप, समटाइम दे गॉट एक्सीडेंट, रात पूरा 24 आवर, समटाइम हाईवे जो है वो अनसेफ भी रहते हैं कुछ जगहों पे, वहां से उनको जाना पड़ता है. तो इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब, क्योंकि सामान जो है वो तो इंश्योर्ड है, उसकी इंश्योरेंस है, लेकिन बंदे की लाइफ की भी चलो इंश्योरेंस है, लेकिन इफ यू लूज योर लाइफ इन एक्सीडेंट और समथिंग, इट इज वेरी बैड फॉर योर फैमिली, फॉर योर सेल्फ. इफ यू लूज एनी ऑफ योर ऑर्गन्स, हाथ और पांव आपका अगर दब जाए और वो लूज कर जाए आप उसको, तो इट इज वेरी वेरी बैड फॉर योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ. तो सेल्फ ड्राइविंग कार लाइक टेस्ला, टेस्ला ने अभी जो इलेक्ट्रिक कार बनाई है वो डीजल को भी उसने बीट किया है. अभी आई एम नॉट श्योर कि अभी तक वो प्रैक्टिकल, बट सूनर और लेटर इज प्रैक्टिकल, ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल. तो इट विल टेक अवे लॉट्स ऑफ जॉब्स. 10% के अराउंड पूरी दुनिया की जो आबादी है, इंक्लूडिंग जो हमारे लोकल्स हैं और पूरी दुनिया में, उनकी जॉब चली जाएंगी. तो इसी तरह मैं ऐसे देखता हूँ कि लेकिन इट इज सेविंग लाइव्स, it is saving life and doing good, lots of good. मैं एक बस लेकिन ये कहना चाहूंगा कि वो टेस्ला जो है, टेस्ला ने फुल सेल्फ ड्राइविंग का जो नाम दिया है वो लाइक झूठा नाम है. टेस्ला फुल सेल्फ ड्राइविंग नहीं करता. लाइक अगर आप लोगों को यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक द लेवल ऑफ ऑटोमेशन, देयर इज लाइक 5 लेवल्स, लाइक लेवल 4 ऑटोमेशन इज वेयर द ड्राइविंग इज सेल्फ ड्रिवन. Tesla has not reached that. Tesla is probably not going to reach that in you know the next decade. But self-driving is here. Google ne kiya hua hai. Apple is pe kaam kar raha hai. So hai. So abhi jaise chatbot hai, ab jab chatbot aayega to sabse pehla ye call centers ko khatam karega. Hamare abhi dost hain Usama. अगला जो पॉडकास्ट होगा होपफुली वो उन्हीं के साथ होगा हमारा. तो उनसे जब हम डिस्कस करेंगे तो वो ऑलरेडी इस चीज पे काम कर रहे हैं. वो मार्केटिंग से रिलेटेड है और वो एक चैटबॉट की कंपनी है, वहां पर वो मार्केटिंग में काफी टाइम उन्होंने गुजारा है. और ही नो के कौन सी वो चीजें हैं जो मार्केटिंग में एक बंदे को करनी पड़ती हैं, वो चैटबॉट इज गोना टेक ओवर ऑल ऑफ दोस थिंग्स. सो सबसे पहला उसमें कॉल सेंटर है, जो मुझे भी समझ आ रहा है लिटरली. अभी अगर एक कोई पिज़्ज़ा की दुकान है, वहाँ पे 20 लोग अगर बैठे हैं पिज़्ज़ा हट में ऑर्डर्स को रिसीव करने के लिए, तो एक कंप्यूटर उनकी जगह लेगा और वो 20 की जगह शायद सिर्फ एक रखना पड़े कि भाई अगर रियल ह्यूमन से, जैसे आपने जिक्र किया कि भाई अब रियल ह्यूमन से मैं बात करना जब चाहता हूँ तो मुझे आधा घंटा वेट कराता है, क्योंकि 20 को हटा के उन्होंने एक कर दिया है, क्योंकि अब बहुत इट इज रेयर कि अब ह्यूमन को ट्रांसफर करना पड़े. तो कॉल सेंटर सबसे पहले जाने वाले हैं, और कॉल सेंटर से जो थर्ड वर्ल्ड की बहुत सारी, पाकिस्तान में हजारों के हिसाब से कॉल सेंटर्स हैं, इंडिया में, नाइजीरिया में, फिलिपीन में, बहुत सारे, एक बड़ी आवाम इसके साथ कनेक्ट है जिनका रोजगार इससे चल रहा है. तो ऑफकोर्स ये सारी जॉब्स जाने वाली हैं, ठीक है. बैंकिंग को भी खतरा है ब्लॉकचेन से, तो टेक्नोलॉजी इज टेकिंग ओवर. तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जितने भी लोग हैं, जो इवन दो के कोई पान का केबिन भी अगर रन कर रहा है बंदा, या कोई चाय की दुकान भी रन कर रहा है, उसको भी चाहिए कि बेसिक प्रोग्रामिंग तो सीख ले अभी एटलीस्ट, ताकि कल को अगर उसकी जॉब अगर टेक अवे हो जाती है बिकॉज ऑफ चैटबॉट और बिकॉज ऑफ सेल्फ ड्राइविंग और बिकॉज ऑफ एनी टेक्नोलॉजी, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज ईटिंग एवरीथिंग, तो उनके पास कोई ना कोई चांस होगा कि वो इधर आ जाए. अच्छा, एज कम्पेयर जैसे कि ये जॉब लेके जा भी रही है टेक्नोलॉजी, तो बहुत सारी नई जॉब्स क्रिएट भी हो रही है. ऑफकोर्स
एक चैटबॉट जो है उसको बनाने के लिए जाहिर है एक बंदा नहीं पूरा सॉफ्टवेयर बना सकता, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स आर बिग, इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो एक छोटा सॉफ्टवेयर भी होता है उसमें 10 बंदों की टीम होती है, और आफ्टर जो सर्विसेज हैं, जो आफ्टर मार्केट सर्विसेज, कि भाई चैटबॉट बन तो गया बट उसको कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करना है, कंटिन्यूअसली उसमें नए प्लान्स, नए पैकेजेस, चीज़ें ऐड करनी है, उसको मेंटेन रखना है, चलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ APIs अपडेट होंगी। अभी आपने भी बल्कि एक्सपीरियंस किया था कि वो पुराना बना हुआ था एकदम वो चलना बंद हो गया क्योंकि फायरबेस ने वो चीज़ें बंद कर दी जिस पर वो चल रहा था। तो इस तरह की चीज, तो नई जॉब्स क्रिएट भी हो रही हैं। तो सलील आपको क्या लगता है कि जितनी जॉब्स ये लेके जा रहा है क्या उतनी जॉब्स क्रिएट होंगी? हाँ, उससे ज्यादा क्रिएट होंगी क्योंकि आप ये ना लाइक हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पास जाते हैं, लाइक फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जहाँ पे स्टीम इंजन आए थे, कोल ने लाइक कोल चेंज्ड अ लॉट। तो ये जो मिल वाले लोग थे, लाइक क्लोदिंग मिल वाले लोग थे UK में, उसमें उनको लडाइट्स कहते थे। ये लडाइट लड़ करके एक इंसान था, उसने कहा कि भाई ये सारी जो मिले हैं मैं तोड़ दूंगा और मेरे साथ तुम कर लाइक सब चलो और हम ये तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम लाइक यू नो हम लाइक कपड़ा बनाने वाले लोग थे और हमारे जॉब्स ये मशीन लेके जा रहे हैं। सो ये पहली लाइक यू नो पहली बारी थी कि टेक्नोलॉजी ने डिसरप्ट किया और ह्यूमैनिटी ने कहा कि यार ये मतलब यू नो ये टेक्नोलॉजी मतलब मुझे ख्वार कर रही है। बट again what it did is it's like you know it is taking away the menial, technology is automating like jo hamare liye pareshani wali jo cheeze hai na wo hum automate karne ke liye de dete hain, boring kaam jo hai, boring kaam, and then we as humanity are like more free to do more like thought, like you know brain, like as time has progressed your brain has become more and more important ki bhai aapka brain aur usko aap kaise istemal karte ho ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। सो यू आर लेफ्ट टू डू लेस लाइक मीनियल जॉब्स की भाई मुझे लाइक यू नो बर्तन घिसने के लिए तुम नहीं ये करो, नई रेसिपी सोचने के लिए मुझे तुम पैसे दे रहे हो। सो दैट्स द काइंड ऑफ थिंग। जस्ट वन सेकंड, आई हैव एन अलार्म, स्टॉप। सो गूगल स्टॉप। सो there are new ways, new technologies will always disrupt, they will put people out of a job, but that will also enable a new set of people to do like you know better, like higher quality of work, ki matlab unko more satisfaction milega, aise jobs milna shuru honge। तो अब लाइक यू नो फॉर एग्जांपल हम तो मतलब ट्रकर्स की वगैरह बात करें, ट्रकर्स तो भाई बहुत पुराने लाइक यू नो इंडस्ट्री है, वो तो लाइक डिसरप्ट होगी ये तो जानते हैं, लेकिन अभी अभी नई आई हुई इंडस्ट्री उबर के ड्राइवर्स और ये उबर ईट्स के ड्राइवर्स वगैरह, सोचो ये सारे जो ड्राइवर्स हैं अभी आ रही हैं छोटी छोटी लाइक यू नो मॉड्यूलर लाइक मशीन्स जो लाइक फुटपाथ पे चलेगी और आपका खाना जो है आपको आके लाइक यू नो आपको लाइक मैसेज नोटिफिकेशन आएगा कि भाई गेट के सामने आपका आ चुका है, आप गेट के सामने जाओगे, बक्सा खुलेगा, आप अपना पार्सल लोगे, इंसान अभी लाइक इन्वॉल्व ही नहीं होगा। तो अब ये सारे लोगों का क्या होगा? यू नो लाइक वी हैव नाउ क्रिएटेड दिस ह्यूज सेट ऑफ पीपल कि ये सारे फ्रीलांसर हैं, ठीक है, बट लाइक वेयर आर दीज फ्रीलांसर्स गोइंग टू गेट दैट लाइक यू नो थिंग फ्रॉम? सो ये उबर ईट्स के या फिर लाइक कॉन्ट्रैक्टर्स, नॉट फ्रीलांसर्स, माय बैड। सो लाइक ये कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो हैं, जो लाइक उबर के लिए ड्राइव करते हैं या फिर लाइक यू नो कोई लाइक बाइक का लाइक डिलीवरी वाले हैं वगैरह, ये सारा भी इंडस्ट्री डिसरप्ट होने वाला है बिकॉज ऑफ सेल्फ ड्राइविंग। सो यस, इट इज गोइंग टू पुट सम पीपल आउट ऑफ वर्क, एंड लाइक यू करेक्टली सेड, अगर आप आगे की जैसे मैं पहले कह रहा था यू नो अगर आप डायरेक्शन चूज करना चाहते हो कि दुनिया कौन से डायरेक्शन में जाएगी, उसको आप शेप करना चाहते हो, तो आपको टेक्नोलॉजी बनाना आना चाहिए या फिर समझना चाहिए कि भाई ये टेक्नोलॉजी बन कैसे रही है, चल कैसे रही है। उस वो लाइक अगर आप समझते हो तो आप you know like you are ahead of the curve, kyunki aap usme involve hoke aap ek impact la sakte ho ki bhai aage wali technologies aise honi chahiye, ya at the very least you can see ki bhai acha ye aise chal rahi hai to mujhe main kya kar sakta hu ki main apni zindagi ko sabse behtareen kar saku because of understanding of how technology works। acha kya aapne zabardast baat ki ke acha ye baat badi obvious hai lekin ye mujhe realize nahi hui thi ye jo aapne baat ki। अच्छा बाय द वे सब लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि सलील का जो है ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी बैकग्राउंड रहा है, मतलब स्कूलिंग जो इनकी थी वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी है और क्रिएटिविटी तो इनकी चली रही है, और आप अभी आपने फील भी किया होगा कि कितनी ऑब्वियस बात है
मैं अगर मुझसे आप कहें ना, मिसाल के तौर पे मुझसे अगर आप कहें कि यार नीचे से जाके कुछ खरीद के लाना है या कुछ ऐसा बेसिक काम कि यार सफाई वगैरह कुछ करनी है, तो आई वुड से कि मैं जितनी देर में, मतलब मैं 20-30 मिनट्स लगा के अगर मैं इसकी क्लीनिंग करूँगा या मैं 20-30 मिनट्स लगा के नीचे से जाके लाऊंगा, तो इट्स रेदर कि मैं कोई बंदा इसके लिए दूसरा रखूं, क्योंकि मैं उतने 30 मिनट में उससे ज़्यादा बेहतर कुछ काम कर सकता हूँ जिस पे मैंने पिछले 10-20 साल लगाए हुए हैं, तो क्यों ना मैं वो काम करूँ कि जो मैं बेहतर करता हूँ। अच्छा, आई एम नॉट गुड एट क्लीनिंग, आई नो दैट, तो बजाय इसके कि मैं जिस चीज पे गुड नहीं हूँ मैं जबरदस्ती वो करूँ, तो बेहतर ये है कि कोई रोबोट हो, शाओमी का एक वो मैंने देखा है अभी गोल सा, मैं सोच रहा हूँ मंगाने का, वो ऐसे ही घूमता रहता है, वो क्लीनिंग करता रहता है खुद ही ना। तो मतलब वाई वुड आई डू समथिंग दैट आई एम नॉट गुड एट और मुझे करना अच्छा भी नहीं लग रहा है, बट स्टिल मुझे करना पड़ रहा है बोरिंग काम, जैसे वो बर्तन को करने के लिए डिश वॉशर रखूं मैं या कोई बंदा दूसरा रखूं जो उस पे सही है और उसके अलावा कितना क्रिएटिव नहीं है। तो बिल्कुल आपने बड़ी ऑब्वियस बात की। अच्छा, जैसे आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जिक्र किया जो पहला आया कि व्हील वाला, तो जाहिर है उस वक्त आप, मैं इमेजिन कर रहा हूँ इसको एंड इट ब्लोज माई माइंड कि ये जो हम कपड़े पहन रहे हैं, 6 बिलियन लोग इस वक्त हैं दुनिया में, 7.7 बिलियन, अगर उस वक्त चलो अगर इसके आधे भी होंगे फर्स्ट इंडिया, तो आई एम नॉट श्योर कितने थे, कि 500 मिलियन भी अगर थे, आधा बिलियन यानी इतने सारे कपड़े बनाना। अच्छा, मुझे ये तो पता है कि उस टाइम पर, मतलब आज से 1000 साल पहले, जो सिले हुए क्लोज थे, सिले हुए कपड़े, इट वॉज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, ओनली बादशाह काइंड ऑफ किंग्स कैन अफोर्ड दैट। जो नॉर्मल लोग थे वो तो बस वो कपड़ा होता था उनके पास और वो हाथ से बना हुआ कपड़ा, तो इट वाज नॉट दैट फाइन, ये जो फाइन कपड़ा है वो काइंड ऑफ ऐसा होता था जैसे आलू की बोरियां होती हैं हमारे पास, थोड़ा आर पार उसके दिख रहा होता है, तो काइंड ऑफ उस तरह का कोई कपड़ा होता था और वो बस एक ऊपर लपेट लेते थे एक नीचे लपेट लेते थे, तो दैट वॉज अ ड्रेस ऑफ अ नॉर्मल बंदा कि जो गलियों में घूम रहा है, एक एक, एक मिडिल क्लास बंदा है, उसका वो ड्रेस होता था। तो सिले हुए कपड़े और वो फिर रेशम वगैरह से सिले हुए जो उस वक्त की सिल्क था, तो सिल्क वॉज वेरी वेरी एक्सपेंसिव एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ दिस, कि यार हाथ से बन रहा था वो, फिर जैसे मशीन आई तो जाहिर है कोई लाखों लोग होंगे जो ये मिल के बनाते होंगे और यही वजह थी वो एक्सपेंसिव भी थे। तो कैसा माहौल होगा उस वक्त कि जब वो सारे लोगों को नजर आ रहा होगा कि यार अभी मशीन आ गई है और हम 100 बंदे मिलके जितना करते थे ना उतना ये 1 घंटे में कर लेती है एक मशीन अकेली, और धड़ाधड़ कपड़े बन रहे हैं और इतने फाइन फैब्रिक्स कि वो माइक्रोफाइबर अभी तो आ गया है जिसको अभी पता ही नहीं चलता नॉर्मल आग से कि कहाँ पर इसके धागा है, बिल्कुल माइक्रो है वो, और इतने फाइन कपड़े और फिर वो इतने मतलब बेस्ट फिटिंग कि यार आप पहनते हैं और आप रिलैक्स घूम रहे हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, इतने सस्ते इतने लोगों के लिए। मैं किसी का मैं देख रहा था इंटरव्यू या कुछ, उन्होंने ऐसे जिक्र किया था कि वर्ल्ड बैंक ने 19th सेंचुरी के शुरू में यानी 1901 के अराउंड जब वर्ल्ड वॉर्स हो रही थी, उस टाइम इन्होंने बोला था कि यार हमें ना वर्ल्ड की पॉपुलेशन को रिड्यूस करना होगा, उस वक्त 500 मिलियन थी शायद वर्ल्ड की पॉपुलेशन या 1 बिलियन थी मे बी, तो उन्होंने ऐसे स्टैट्स अपने दिए थे कि अगर ये ना पॉपुलेशन अगर हमने रोका नहीं इसको, ये इसी तरह बढ़ती रही, तो इस सदी के आखिर तक यानी 2000 तक किसी के पास खाने के लिए कुछ होगा ना, पहनने के लिए कुछ होगा ना, चप्पल होगी पहनने के लिए ना खाने के लिए, और सारे भूख से मर जाएंगे। बट बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के भाई अब कपड़े मशीन से बन रहे हैं और जो क्रॉप्स हैं वो भी मशीन से क्रॉपिंग हो रही है, सारे किसान ट्रैक्टर्स और मशीनरीज प्लेन्स और फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास अभी सदी के आखिर में, क्योंकि आबादी भी हमारी 1 बिलियन से 7 बिलियन पे पहुंच गई है, उसके बावजूद इतना खाना है कि अमेरिका खुद अपने पास पता नहीं कितने टन गंदम जो है वो समुंदर में डाल देता है जस्ट टू कंट्रोल इट्स रेट इन द मार्केट, और हमारे पास इतने कपड़े मौजूद हैं पहनने के लिए कि मतलब लिटरली मैं बता रहा हूँ 100 रुपए की भी टी शर्ट्स अवेलेबल है जो आप इजिली पहन सकते हैं और बहुत फाइन है वो एज कम्पेयर टू, तो मतलब $1 टी शर्ट्स भी मौजूद है। और अफ्रीका में तो माउंटेन्स ऑफ ये क्लोथ्स जो हम सब लोग ये क्लोथिंग फास्ट फैशन इतनी प्रॉब्लम है कि माउंटेन्स ऑफ क्लोथ जो हम लोग लाइक रिसाइकल के लिए भेजते हैं वो जाता है अफ्रीका में और उसके लिटरली माउंटेन्स है। सो यहां पर भी माउंटेन्स जो लुंडा बाजार कहते हैं उसको, वहां पे यूज क्लोथ्स जो है ना वो पूरी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जितनी भी है वहां से आके यहां पे वो रिसाइकल होता है, क्लीन होता है
और उसके बाद बाकायदा यहाँ पे शॉप्स हैं, मॉल्स हैं काइंड ऑफ, उसको लेफ्ट ओवर शॉप्स कहते हैं ये। वहां पे बाकायदा कुछ जाहिर है जो लेफ्ट ओवर में ना वो पैक भी होता है, पैक भी होता है वो, उसको दोबारा से ये क्लीन करते हैं, निकालते हैं, प्रेस प्रेस करके, ड्राई क्लीन करके उसको बेचते हैं, उसको सेल करते हैं। और मैं गया हूँ, मतलब बिल्कुल सही होता है, बेहतरीन होता है। तो यहाँ पे भी माउंटेन्स हैं भाई, और इतनी चप्पल चाइना ने इतनी चप्पलें बना दी है, इतने शूज बना दिए, कमोडिटी बना दी है कि अगर एक बंदा लिटरली, मेरे पास कोई 10 के करीब पड़े हुए कबट में जो मैं पहनता भी नहीं हूँ, मतलब पड़े हुए, मैंने लिया था ऐसी शॉप में, वो नहीं पहनता, कुछ सर्दियों वाले हैं तो यहाँ सर्दियाँ ही कम होती हैं, तो साल में एक ही बार वो पड़े हैं वैसे ही। तो एक एक बंदा अगर शायद 100-100 शूज भी खरीद ले तो भी शूज बहुत है, कम नहीं हो रहे तो अच्छा वो बंदे भी सारे जो जिनका रोजगार खत्म हुआ था वो भी दोबारा कुछ ना कुछ लग गए वो। Exactly. Human beings are very resilient. हम लोग कॉकरोचों से भी खराब है कि हम सब चीजों को सर्वाइव कर लेंगे, हम लोग न्यूक्लियर विंटर को भी सर्वाइव कर जाएंगे, हम सब चीजों को सर्वाइव करेंगे। सो टेक्नोलॉजी हमें कुछ तोड़ तो नहीं देगी, हम इंसान लाइक रास्ता अपना बना लेंगे, लेकिन ऑब्वियसली जिस वक्त जिसके साथ हो रहा है वो तो हॉरिबल हो रहा है, यू नो लाइक ऑब्वियसली एज अनदर ह्यूमन बींग आई फील फॉर देम, मुझे लाइक यार लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन I know for a fact कि technology as a whole is not out there कि भाई ये उसका job ये नहीं है कि भाई मैं आपको job से हटाऊं। अभी like even for coders like GitHub Copilot आ चुका है, right? Like it is going to like people can say कि हाँ you know as a coder you can be like put out of work, like ये AI सीख रहा है coding, लेकिन AI क्या कर रहा है? Like it doesn't understand like what the person's intent is, you know, like problem solving is not that skill, it's creative, it's like you need a human being to like shape that procedure. So like Copilot is making some of the like, you know, work easier, but the real work is still the human being, right? So like मैं किसी artist से बात कर रहा था, वो कह रहे थे यार ये अब सब AI की art आ गई है तो अब हमारा क्या होगा? मैंने कहा यार तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम जो चीज करने के लिए तुम्हें लाइक तंग हो रहे थे ना वो अब तुम्हारे लिए आसान हो गई है, ये हो गया। Exactly. So, जैसे मुझे अच्छी तरह याद है जब फोटोशॉप पहली दफा हम उस पे बैकग्राउंड रिमूव करते थे, वैसे बैठ के लकीर लगा रहे होते थे और वो फिर फीदर, वो फिर यार सही नहीं आ रहा, कटिंग फील हो रहा है, कटी हुई है। अभी वो नया वाला आईफोन आया है वो जो इसका अपडेट, उसमें वो ऐसे क्लिक करो और वो बैकग्राउंड रिमूव करके फोटो उठा देता है। एग्जैक्टली, तो मतलब मुझे बैकग्राउंड रिमूव करने में जो टाइम लगता था एक्चुअली वो टाइम मेरा सेव हो गया और आई हैव मोर टाइम फॉर मोर क्रिएटिव थिंग्स, कि भाई मैं उससे आगे सोचूं, उससे आगे बढ़ूं। Exactly. आपने बिल्कुल सही कहा कि ह्यूमंस, मैं किसी का वो क्लिप देख रहा था तो उसने ऐसे बोला ना कि ह्यूमंस आर मोर रोबस्ट देन डायनासोर्स। तो मैंने कहा यार ये क्या बात है यार, डायनासोर्स तो इतने बड़े होते थे, मतलब दे हैव वेरी वेरी ह्यूज बॉडी और स्ट्रॉन्ग बॉडी के भाई, मतलब दरख्त वरख्त पहाड़ कुछ भी नहीं है, सबको कुचलते हुए निकल रहे हैं, वो रैप्टर्स जो हमें दिखाते हैं ये आजकल। तो मैंने कहा यार ये कैसे, तो उन्होंने कहा कि यार डायनासोर्स जो एक्सटिंक्ट हो गए ना दुनिया से, इंसान नहीं हुए, नहीं। इतनी डिजीजेज आई, इतने डिजास्टर्स हुए। अभी वो कोई वॉल्केनो का मैं देख रहा था कि कोई वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था किसी टाइम पे जिससे दुनिया में पूरा खत्म हो गया था, वो पूरी जगह पे शायद फैल गया था, कुछ ऐसा बता रहे थे कोई हिस्टोरियंस कि उनको ऐसी चीजें मिली कि पूरी दुनिया पे वो फैल गया था वॉल्केनो, लेकिन ह्यूमन उसको भी सर्वाइव कर गए, कोविड को भी सर्वाइव कर गए। तो ह्यूमंस आर मोर टफ देन इवन देन डायनासोर्स। तो बिल्कुल आपने सही कहा, ह्यूमन टफ भाई, हमें नहीं, कॉकरोचेस से भी ज्यादा टफ। We are resilient as fuck. So like we will definitely find a way. And वो आपका mindset भी है, right? आपका mindset ये होना चाहिए कि glass half full rather than glass half empty. अगर आप हमेशा glass half empty ही देखोगे तो जिंदगी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ फिर परेशानी है जिंदगी। So you know it's like okay ठीक है, ये reality जो है मेरी, जो reality है अब मैं उस reality में सबसे बेहतर कैसे मैं अपनी जिंदगी set करूँ। So I think you know having a technology or like having coding as a skill, even if you're not using it like a regular basis, even if you understand how does this thing work, that in itself is a skill which is, I would say, you know, it's not replaceable. Wo aur kisi cheez ke saath aap nahi replace kar sakte. So I would definitely urge people, if they haven't started their development journey, please do.
नाउ आई एम मोर एंड मोर कंफर्टेबल बिकॉज मेरा मेरा कंसर्न रहता है ऐसे, क्योंकि मुझे तो पता है कि मैं सेफ हूँ, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि आपका सराउंडिंग जो है, आपके साथ जो रहने वाले लोग हैं, वो भी अगर खुश रहें तो इट इज़ वेरी वेरी इजी फॉर यू, बिकॉज अगर उन वो जॉब लूज करेंगे तो वो क्या करेंगे? आपके पास खाना होगा, उनके पास नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? वो आपके पास आएंगे और आप अगर उनको शेयर आप नहीं करोगे तो आपसे छीन लेंगे वो. तो मतलब आई आई एम वेरी वेरी कंसर्न कि अदर पीपल फॉर ना, कि हम मैं जहाँ पे रह रहा हूँ यहाँ पे जो सब लोग हैं, इफ इफ दे आर गोना लूज जॉब इट इज डेंजरस फॉर मी एट सम, क्योंकि अभी भी जैसे फ्लड्स वगैरह आए हैं तो बहुत सारे लोगों के घर वगैरह खत्म हो गए, तो इट इज यू नो आई फील थ्रेटन्ड कि यार अभी वो क्या होगा उनका, वो क्या करेंगे अब? तो अगर उनका कुछ नहीं होगा तो फिर अल्टीमेटली क्राइम का रेट बढ़ेगा, सब चीज़ें बढ़ेंगी. बट आई एम मोर एंड मोर कम्फर्टेबल, मैं डिस्कशन अक्सर लोगों से ये करता हूँ, तो कि ह्यूमन जो है वो कुछ ना कुछ कर लेगा, उसको मतलब ऐसे टेंशन नहीं है. और दूसरा ये कि वैसे भी जो चीज़ें ये टेक ओवर कर रहे हैं, मतलब कॉल सेंटर में मैं खुद बैठा हूँ, मतलब मेरे कान में लिटरली दर्द हो जाता था. मुझे एक टाइम था जब फोन नए नए आए थे, मुझे अच्छी तरह याद है, तो ऐसे हमारे यहाँ बोला जाता था ना कि दो बेल बजे तो फिर उठाना, पीटीसी में जब शुरू फोन आए थे सेट, छोटे छोटे थे हम, स्कूल से भी पहले की बात है, तो ऐसे बोलते थे कि दो बेल बजे फिर उठाना. बट जो बच्चे, हम इतने एक्साइटेड होते थे कि वो रिंग होता था ना, तो रिंग होते ही हम उठा लेते थे उसको, और हेलो करना होता था हमें, मतलब हमारा बहुत बड़ा काम होता था कि यार मैंने फोन उठा के हेलो कर दिया, उसके बाद तो किसी बड़े को ही देना है कि यार अब्बू से बात कराओ या अम्मी से बात कराओ. बट इट वॉज अ फैंटेसी, यार नहीं यार मैंने फोन उठाना है. अच्छा, फोन पे जब बात हो जाती थी ना तो बच्चे जिद करते थे यार मेरी भी थोड़ी बात करें. तो वो आंटी को हेलो हेलो, अच्छा हेलो के आगे आता भी कुछ नहीं था कि बोले क्या, बट एक फैंटेसी थी. तो वो जो चीज थी ना, वो जब मैं कॉल सेंटर में जाके बैठा और मुझे जब सुबह से लेकर शाम तक कोई 100 से ज्यादा कॉल सुननी पड़ती थी, तो मुझे नफरत हो गई थी फोन से. मतलब लिटरली मेरा फोन बजता था, मैं छोड़ देता था उसको कि यार क्या यार पूरा दिन, मतलब दिल ही नहीं करता था कि मैं कान से फोन लगाऊं. तो इट वाज वेरी बोरिंग जॉब. तो बट जाहिर है सब चीजों का एक्सपोजर होना चाहिए बंदे को, तो मैं भी एक्सपोजर के लिए गया था, बड़ा अच्छा एक्सपोजर रहा. बट इट इज एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ बोरिंग जॉब. जो लोग ये कर रहे हैं कॉल सेंटर का काम, आई डोंट थिंक कि अगर कोई 5 साल से, क्योंकि मैं 6 महीने बैठा था, 6 महीने में बस हो गई थी मेरी, जो 5 साल से 10 साल से लोग जॉब कर रहे हैं, तो दे आर फ्रस्ट्रेटेड. तो अगर उनकी जगह ये ले लेगा, चैट बॉट ले लेगा, तो फिर दे आर फोर्स टू डू समथिंग एल्स, समथिंग बेटर. They're free to do something better. They're free to do something. और ह्यूमन जो है वो जैसे क्रिएटिव है, ह्यूमन क्रिएटिव है, और ये जो चीजें आज हम देख रहे हैं, जैसे फैब्रिक हो गया या जो भी हो गया, चैट बॉट हो गया, दिस इज अ क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन. तो ह्यूमन का कहीं ना कहीं हेरिटेज है क्रिएटिविटी का. तो अगर इसको करने के लिए कुछ नहीं होगा तो ये कुछ सोचेगा क्रिएटिव, मतलब he will be forced to think something creative. And मतलब हम सब लोग जो कर रहे हैं, हम we are building on the shoulders of giants. हम डायलॉग फ्लो और अमेजोन जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अमेजोन और लाइक यू नो डायलॉग फ्लो के लाइक ब्रिलियंट लोगों ने बना के रखा है. इसके लिए हमारे लिए आसान हो गया है कि भाई जावास्क्रिप्ट से ये छोटी छोटी चीजें प्लग इन करो, आप अपना सर्वर लिखो, ये करो और हो गया. आपने एक लाइक यू नो लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बॉट बना दिया. Where, like, if you wanted to do that before, matlab, let's just even think about computer as a technology, right? Like, mathematics aaya, uske wajah se we found, like, calculators. Calculators ke wajah se, you know, we found, like, physics, mathematics together became computer science. Then, like, you know, within computer science came, like, programming. Programming ke saath abhi ye AI aur ML aur ye sab. So, again, hum, like, you know, सब लोग छोटा छोटा अपना पार्ट है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, एंड एज अ होल कलेक्टिव ह्यूमैनिटी मिलके हम आगे बढ़ रहे हैं. सो वी शुड बी हेल्पिंग ईच अदर आउट फॉर श्योर. कॉन्टैक्ट सेंटर AI इज लाइक यू नो CCAI उसको कहते हैं. दिस इज लाइक द नेक्स्ट थिंग दैट इज गेटिंग डिस्टरप्टेड फॉर श्योर. बट लाइक यू नो आई एम थिंकिंग अबाउट लाइक क्रिएटिव फील्ड्स एज वेल. लाइक लेट्स से आई एम अ वीडियो एडिटर. आज मैं अडोबी में जाके मुझे यू नो लाइक ये लाइक इस एग्जैक्ट इस सेकंड से उस सेकंड तक करना है और मुझे ये सब. अब मैं उसको बोलूंगा यहाँ से लाइक ओके स्टार्ट हियर, लाइक यू नो एंड हियर. लाइक इवेंचुअली एज वॉइस स्टार्ट्स कमिंग इनटू दोस टेक्नोलॉजीज, मैं कहूंगा लाइक रिमूव द बैकग्राउंड इन फोटोशॉप, राइट? लाइक उसको जो जो मैं कहूंगा, मैं वॉइस से उसको बताऊंगा. स्काई चेंज करने वाला मैं देख रहा था, अभी देख रहा था इसी पॉडकास्ट से पहले मैं. हाँ. वो स्काई चेंज करने वाला, वो कोई 360 कैमरा है उनकी ऐप में, वो स्काई चेंज कर दो आप. ये सब मोबाइल ऐप, मोबाइल्स में आ गया. वो मोबाइल में जो एडिटर होता है वीडियो का, कि वीडियो बनी हुई उसमें चलती हुई वीडियो में स्काई चेंज. मैंने कहा यार ये तो आप अगर प्रीमियर पे करने बैठे हैं स्काई चेंज,
यार बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगता है. सो ये बेस्ट हो गया. हाँ, सो लाइक यू नो एआई इज गोइंग टू मेक क्रिएटिविटी इजियर एंड फास्टर फॉर ह्यूमन बीइंग्स. नाउ वी एज ह्यूमन बीइंग्स नीड टू आइडेंटिफाई कि भाई मैं किस चीज में क्रिएटिव हूँ, मैं किस चीज में क्रिएटिविटी अपनी लाइक यू नो डायरेक्शन में अपनी क्रिएटिविटी का डायरेक्ट मैं कौन सी डायरेक्शन में लाइक ये करना चाह रहा हूँ, उसको पुश करना चाह रहा हूँ. सो लाइक यू नो वेदर दैट इज टेक्नोलॉजी फॉर यू, वेदर दैट इज क्रिएटिंग वीडियोज, वेदर दैट इज क्रिएटिंग इमेजेस, आप जो भी करना चाहते हो अगेन ट्राई टू परस्यू लाइक यू नो ऑब्वियसली थिंग्स दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, क्यूरियस अबाउट एंड हैव फन डूइंग. मुझे लाइक यू नो मुझे किसी ने ये नहीं दिया कि भाई हाँ तुम लाइक यू नो ये वॉइस ऐप सीखो वगैरह, मुझे खुद को इंटरेस्ट था. राइट, लाइक यू हैव टू हैव दैट क्यूरियोसिटी, यू हैव टू हैव दैट लाइक यू नो वॉन्ट, you have to want to learn in that particular field and that keeps you going ahead because if you are not interested to aap wo cheez mein maze nahi le paoge, jis cheez mein maze le sakte ho us cheez mein jaye, ye mera suggestion hai logon se. acha badi achhi hamari baat aayi, hum 2 ghante humne pure kar liye to ab mera khayal hai hum thoda end ki taraf chalte hain to koi aakhri aise baat agar aap kehna chahe to aap keh sakte hain. acha main kuch comments bhi dekh leta hu, bas koi comments to aisa khaas nahi hai. अच्छा तो लास्ट एक मैसेज कोई देना चाहें सलील आप उन लोगों को जो अभी ये हम कोर्स शुरू करने लगे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? मेक श्योर यू आर अटेंडिंग ऑल द लेक्चर्स ऑन टाइम एंड फिनिशिंग ऑल द असाइनमेंट्स या होमवर्क एज इट इज गिवन. सो लाइक सेम डे सेम टाइम राइट आफ्टर इट्स डन मेक श्योर इट इज यू नो इम्प्लीमेंटेड एंड like you practice it. मैं मुझे मेरी कोडिंग की जीरो बैकग्राउंड है, मुझे कोडिंग बिल्कुल नहीं आती. मैं लाइक यू नो दूसरों के साथ बैठ रहा था कि भाई आपको कोडिंग आती है, आप मेरे साथ बैठे मुझे थोड़ा समझाएं, आप भी लाइक यू नो. सो अगेन फाइंड अ स्टडी बॉडी, अगर आपके आपकी खुद की ये नहीं है, किसी और दोस्त को देखें कि जिसको थोड़ा आपसे बेहतर आता है, उनके साथ बैठे और उनको उनके स्केड्यूल के हिसाब से लाइक यू नो आप भी समझना शुरू करें. क्योंकि मलिक भाई या फिर किसी भी क्लास में आप 50 लोग होते हैं, आप एक लेवल तक आप सवाल पूछ सकते हो क्लास में, द रेस्ट इज अप टू यू. यू हैव टू बी सेल्फ डायरेक्टेड इफ यू वांट टू सक्सीड एट एनीथिंग इन लाइफ. उसके अलावा आई थिंक आई विल जस्ट लाइक ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस. आई एम यू नो आई एम हियर टुडे सो आई कैन आंसर योर थॉट्स एंड क्वेश्चंस. अच्छा जी, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो. एक ये सैयद हसन पूछ रहे हैं कि सर पाकिस्तान पे इफेक्ट पड़ेगा चैटबॉट का. भाई पाकिस्तान को अगर ऊपर लेके जाना है ना इकोनॉमी को, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री माना जाता है मैं सब लोगों के लिए ना, मतलब यूनाइटेड नेशन में हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के तौर पे काउंट होते हैं. तो हमें अगर ऊपर जाना है ना, हमें लीप फ्रॉग लेना है, तो यही मौका है हम टेक्नोलॉजी की इस ट्रेन पे चढ़ के, बजाय इसके कि हम मिले तोड़ने के लिए जाएं कि यार हम कपड़ा बनाते थे हमारी जॉब, तो हम ये नई टेक्नोलॉजी पे आ जाएं ताकि हम इसमें पैसे भी कमाएं. क्योंकि नई टेक्नोलॉजी में कॉम्पिटिशन तो कोई होता नहीं है, कि आता ही किसी को नहीं है. तो अभी आपको ही आता है तो आपसे ही करवाना पड़ेगा जो भी, और पैसे जो मांगते हैं आप मिलता है आपको. सो कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन दीज टेक्नोलॉजीज क्योंकि उनको भी पता है कि दिस इज द फ्यूचर. तो आप इसमें आए, खुद के लिए भी पैसे कमाएं और अपने मुल्क के लिए भी कुछ करें आप. अच्छा, सलील ने मुझसे कहा था कि भाई इनको भी कुछ लोग चाहिए, तो हम अगला जो पॉडकास्ट मैं अनाउंस कर दूंगा वो मेरी कुछ, अभी लास्ट मैंने लाइव सेशन किया उसमें कुछ लोगों ने बताया कि सर हम आना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड है, तो उनको जरा शॉर्ट लिस्ट करके हम कुछ 4-5 या 6 स्टूडेंट्स के साथ ना हम कुछ करने लगे हैं अगला पॉडकास्ट. अच्छा, हाउ डू वी बिल्ड आवर पोर्टफोलियो? जी पोर्टफोलियो तो आपका क्लास के दौरान ही बन जाएगा. जो मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा ना वो इस तरह के होंगे कि वो रियल लाइफ से रिलेटेड होंगे और वो आप किसी को दिखा भी सकते हैं. तो आपने अगर सारे बना लिए ना तो पोर्टफोलियो एट द एंड ऑफ कोर्स आपका आपको बन चुका होगा, मिल चुका होगा. और मलिक भाई जो दे रहे हैं वो सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आपने मलिक भाई ने जो होमवर्क दिया सिर्फ उसी पे डिपेंड रहो. आप भी इंसान हो, आप भी सोचो अपने लिए. जैसे मैंने लाइक वो स्टोरी टेलर का ये किया कि भाई मैं इस टेक्नोलॉजी से क्या करवाना चाहूंगा, एक अपनी सोच शुरू करो, फिर क्लास में लाइक यू नो लाइक मलिक भाई से दोस्तों से बात करें उसके बारे में, यार ये क्या कैसे हो सकता है, ये हो सकता है भी या नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है. देन यू कैन स्टार्ट लाइक anything you want to do you have to be it has to be self directed. to agar aapko portfolio build karna hai aap you know like start thinking about the ideas that you would like to build and then obviously jo class mein aap karenge that is like you know a good starter pack to get started but even beyond that aap apni khud ki ye rakhe aise main suggest karunga logo.
अच्छा, तो लास्ट में मैं ज़रा ये रिपीट कर देता हूँ कोर्स की डिटेल्स। क्लास हमारी 3 दिन हुआ करेगी, TTS डेज में, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, और टाइमिंग होगी हमारी 5 बजे शाम से लेके 7 बजे शाम तक, 2 घंटे की क्लास हुआ करेगी। अच्छा, उसको हम रिकॉर्ड भी करेंगे और सब लोगों को यूट्यूब प्राइवेट पे उसका एक्सेस भी दे दिया जाएगा, और उसका एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम होगा। अच्छा, उसके अलावा जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो कोर्स, आज लास्ट डेट थी फी सबमिशन की, लेकिन स्टिल आप ये वाला वीक जो है हमारा, इसमें भी आप फी सबमिट कर सकते हैं। आप अगर मेरे फेसबुक के पेज पे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो वो डिटेल आपको मिल जाएगी पोस्ट। मैं इस वाले वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ना वो लगा दूंगा। व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर भी लोग सवाल जवाब कर रहे हैं, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसी की डिस्क्रिप्शन में वो फॉर्म वगैरह और वो तमाम डिटेल के फीस कितनी है और कैसे पे करनी है, वो उसी ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में और एडमिशन फॉर्म में भी लिखा हुआ है, तो वो मैं इस वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो लगा दूंगा। ठीक है जी, तो सलील बहुत अच्छी बात है, आपसे इजाजत चाहूंगा आपसे मैं, और आप सब लोग जाने से पहले बस वो ये बता दूं कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन एम आई लुकिंग फॉर इन अ डेवलपर, if you don't mind. Thank you, I appreciate that. So what am I looking for in the full-time developer? I am looking to hire someone who can work 40 hours, someone who has merge stack skills, ki aapko react aati hai, aapko Next.js aati hai, aap nayi technology seekhne ke liye ready hain, aapko MongoDB aur SQL pata hai, Postgres ya whatever. So SQL and NoSQL dono, as well as RESTful and GraphQL APIs. So that is a person that I am looking for, as well as with voice technology. Obviously, voice technologies is, included in that, but you have to have like a little bit of background about the web as well, if you want to, because आप वॉइस जब इन ये करते हो, टाइम करते हो, आप वेब टेक्नोलॉजीज के साथ या फिर एंड्रॉइड टेक्नोलॉजीज के साथ वगैरह ये कर रहे होते हो, मर्ज कर रहे होते हो। सो 40 आवर्स अ वीक, 40K पर मंथ, 8 hours a day, 5 days a week, like evening 7 Pakistan time to 3 in the morning kind of thing is what I'm hoping for. So that's like, again, giving like a little bit of this. Obviously, I will put a post and, give more information about it so that we can share it later. अच्छा, मैं ना ये इसका इतना क्लिप काट के ना ये मैं अलग से भी पोस्ट कर दूंगा व्हाट्सएप के ग्रुप में भी, और अलग से फेसबुक के पेज पे भी लगा दूंगा, ताकि जो है ना वो इतना, क्योंकि पूरा हर बंदे ने इतने आखिर तक देखा नहीं होगा ये पॉडकास्ट, तो कुछ लोग बीच में ड्रॉप कर गए होंगे या बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो मैं ये इतना अलग से लगा दूंगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी बात रही, फिर मुलाकात रहेगी, सब यू टेक केयर ब्रो, बाय।